John. जान मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता सनम। मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मेरी मॉम के बदले माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि ये सब हुआ, और तुम्हारे डैड को भी प्लीज मेरी तरफ से सॉरी कहना। उन्होंने ऐसी स्पीच दी और उन्होंने बिल पे कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी मेरी मॉम को कंट्रोल नहीं कर पाई। जब मेरी मॉम ने डिनर इनविटेशन के बारे में बताया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मुझे सच में लगा कि मेरी मॉम को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इसीलिए वो ये सब कर रही है। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने मेरी मॉम से बात करने की कोशिश की लेकिन वो काफी नाराज है। आप बताइए। ऑलमोस्ट सेम। मैंने कल रात को उनसे बात की और मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा। इनफैक्ट उन्हें वॉर्न भी किया, पर जो कुछ भी हुआ उसे याद करके मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी, ये मेरी मेरी गलती है। वैसे मैं काफी वरीड हूँ, मुझे लगता है चीजें फिर से ना बिगड़ जाएं। प्लीज डरो मत सनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। वैसे मैंने एक रास्ता निकाला है। क्या है वो? मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ये कैसा था? हाँ, शादी करते हैं। अब मैं उनसे बात कर लूंगी, आज शायद सुबह ही मैं उनसे बात करूंगी, नहीं रात को। नहीं, मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, मैं अभी जाकर उनसे बात कर लूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए जान, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, जल्द ही शादी कर लेंगे। मैं भी मॉम से बात कर लूंगा, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जान, एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है, लैला का कॉल आया। हाँ लैला, क्या हुआ? हाँ मैं जानती हूँ वो ठीक है। हाँ मैं जानती हूँ वो गुस्सा है। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरी मॉम अभी भी अपसेट है और हम हंस रहे हैं। वैसे मैं नर्वस हूँ, मुझे जाना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें सब कुछ कह दूंगी, हम जल्द से जल्द शादी कर रहे हैं और उन्हें मना कर रहूंगी। मैं चलती हूँ। ओके ओके, ठीक है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो। यस हाँ, चलो चलते हैं। ओके आ जाओ, लेट्स गो लेट्स गो। चलो, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम कहाँ पर थी और पागलों जैसे क्यों हंस रही थी? मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी। तुमने क्या किया है? वो दोनों कहाँ है? लाइट्स क्यों बंद है? वो सोने चले गए हैं। आखिर में मॉम को मेडिसिन देनी पड़ी, वो नहीं से सो रही है। दवाई देनी पड़ी? क्या बात इतनी सीरियस हो गई थी? तुमने उन्हें देखा नहीं सनी, वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। मुझे तो डर लग रहा था कहीं उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। अब मैं कैसे कहूंगी उनसे? क्या यही कि हम दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया है। मुझे कांग्रेचुलेट करो, मुझे तो मुझे कांग्रेचुलेट करो। बहुत खुश हूँ, फाइनली यू कांग्रेचुलेटेड मी। तुम खुश हो ना? बहुत अच्छे। लैला, लैला मैं शादी कर रही हूँ। व्हाट्स अप? ऑल गुड भाई। हमारी मॉम कहाँ है? वो अभी अभी सोई है, बहुत गुस्से में थी। सच में? ओह, आई एम वेरी सॉरी। और अब मैं उन्हें एक ऐसी न्यूज दूंगा जिससे उनकी हालत और खराब हो जाएगी। कैसी न्यूज? हम शादी करने का प्लान कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम?
इधर आओ इधर आओ। मेरा भाई दूल्हा बनेगा। हाँ। तो कुछ ऐसा हुआ है? बहुत अच्छे। तुम थकी हुई लग रही हो, तुम ठीक तो हो ना? खुश नहीं हो क्या? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सनी, बहुत खुश हूँ। हाँ, वो फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें आराम से करना चाहिए। Oh my dear. मुझे ये बात डैड को बतानी होगी, पर कैसे बताऊँ? हम चीजों को पोस्टपोन नहीं कर सकते, वरना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ सच में, और क्या हो सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बस ये कह देना और क्या हो सकता है, इतनी टेंशन मत लो। हाँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। मुझे भी मॉम डैड से कुछ कहना है, हमारा ब्रेकअप हो गया उस्मान और मेरा। कैसे? जब तुम लोग डिनर पर गए थे, हमने बात की और डिसाइड किया कि हम सेपरेट हो जाते हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम प्यार करती हो ये सच है, लेकिन वो सिर्फ एमरे से। मुझे नहीं पता कि मेरे उसके बीच क्या हुआ, पर उस्मान के साथ वर्कआउट नहीं हुआ, ये क्लियर है। हाँ सच में, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर। आई होप सो। हम दोनों भी उन्हें साथ में बताएंगे सब। शायद वो पहले अपसेट हो जाए, पर सब ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएंगी। हाँ, क्योंकि तुम एक ड्रीमर हो, वो समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता, मैं कैसे कहूंगी, मुझे पता नहीं। शायद हम दोनों को बताना चाहिए। क्या? मिस्टर हुमा जान की रियल मॉम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। शायद मुझे पता नहीं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जान उन्हें किसी मस्जिद या कोर्टयार्ड में मिले थे, शायद वो तब छोटे बच्चे थे। अरे तुम। कल सुबह मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें बस अपने होश में रहना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बाद में आकर कुछ और कहें। हाँ, तुम उनसे बात करो, चाहे जो हो जाए उन्हें एक्सेप्ट तो करना ही होगा, आखिर ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जिससे चाहो उसे शादी कर सकते हो। हाँ इमरे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी अब इंटेंस रिलेशन से थक चुका हूँ, मुझे उनसे कामली बात करनी होगी, और मैं करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बिल्कुल, इसी बात पे चीयर्स। मुझे नहीं देखना, मुझे मुझे नहीं देखना है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसे नहीं देखना, नहीं देखना, मुझे उसे नहीं देखना है। तुम कौन हो? मैं इस मकान की नई मालकिन। जरूर कोई गलती हुई है, ये मेरा घर है। तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हाँ। आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी, और ये रही तुम्हारी पहली सैलरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना क्या समझ में नहीं आ रहा है, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। दे दो इसे। ये सब किस लिए? आज से तुम मेरी नौकरानी हो, मेरी ड्राइवर हो, मेरी असिस्टेंट हो, मेरी कुक हो, सारे काम तुम ही करने वाली हो, तुम ही करोगी। पर तुम हो कौन? आज से तुम मुझे मैडम कहोगी, या फिर सुल्ताना मैकबे बुला सकती हो। ऑलराइट, ठीक है। क्या ठीक है बेवकूफ औरत, आज से जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी। कहो मैडम, क्या करना है मुझे? मैडम आप बताइए क्या करना है। बहुत अच्छे, ऐसे ही करती रहो। आप बताइए ना क्या करना है। इसकी ड्रेस इसे पहना दो। जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, जिसमें बहुत सारी क्रीम होनी चाहिए, और मुझे कैपेचिनो के अलावा कोई कॉफी नहीं पसंद। ठीक है मेम साहब, पर पहले तो आप गरीब थी ना।
आते हैं, आज जो कल था कल आज हो गया है, अब मैं अमीर हो गई हूँ, आज सब कुछ बदल गया है, अब मैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी तुझे। मैं क्या कर रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हें मारने वाली थी। ओह गॉड, उस औरत ने मेरा नर्वस सिस्टम हिला के रख दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, अब सच्ची मरेगी वो मेरे हाथों से। क्या कर रही थी मैं, पागल हो गई हूँ क्या मैं? कितनी जोर से चिल्ला रही हो तुम, दिखाई नहीं देता कि मैं सफाई कर रही हूँ? अरे अभी बहुत से काम बाकी है, इसके बाद सानिया के घर जाना है, सारी खिड़कियाँ साफ करनी है, वॉश भी साफ करना है, बहुत से काम है। ठीक है, पहले मैं ये साफ करती हूँ फिर वहाँ जाती हूँ। अरे हाँ, किचन भी साफ करना है, चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत बहुत काम बाकी है अभी, सबके काम करने हैं तुम्हें, चलो चलो। ओहो, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक गई हूँ, दिन भर कैसे काम कर सकती हूँ मैं, बताओ। देखो देखो बेचारी अभी से थक गई, कैसे काम करेगी। अरे अरे हम लोग, चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, चलो। बेवकूफ औरत, उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरे सपनों की क्वालिटी भी। पता नहीं क्या क्या सपने देख रही थी, क्या हो रहा है ये? तो मैं, क्या लगता है मॉम ठीक हो गई होगी अब? वो अब ठीक होगी, अगर नहीं होगी तो ये जगह देकर ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा मत करो, ये एक नाइटमेयर है, सब खत्म हो गया है अब। निहाद प्लीज इसे दबाओ। हाँ मैं करता हूँ, पर कहीं तुम्हारा ब्लड फ्लो बंद ना हो जाए। दबाओ, अच्छे से दबाओ, दबाओ दबाओ, ये इतना ठीक है। आइए डाज इधर, मुझे आपको ये देने दो। अरे मॉम ने कल बुरा सपना देखा, बहुत ही बुरा। वो सब बहुत ही बुरा था, मैं बता नहीं सकती, और पता है मैं ऐसे ऐसे करके पैसे बांट रही थी, बहुत बुरा था। वाह बहुत अच्छा है, इसका मतलब हम अमीर होने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसी अमीरी नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं मैम, कभी ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसे दिया है क्यों? क्यों हम एक अमीर फैमिली नहीं बन सकते, बस हम उनकी तरह नहीं रहेंगे। हाँ अगर हमारे पास कभी पैसे आ भी जाते हैं तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ मेरी बेटी, देखो उस्मान को, वो भी अच्छा आदमी है ना, क्या पैसों ने उसे बदल दिया है? बिल्कुल नहीं। उस्मान अलग है, वो बहुत अच्छा लड़का है, हीरा है हीरा, वो कभी नहीं बदलेगा, मुझे पता है। हाँ, मुझे वो मेरे बेटे जैसा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो हमें भी सेम रहना चाहिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम भी अच्छे लोग हैं ना। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब मैंने खुद को सपने में देखा मैं बदल गई थी, मैं बहुत ही बुरी औरत बन गई थी, मुझे ऐसी औरत नहीं बनना है, हम जैसे हैं ना वैसे ही अच्छे हैं। लैला आप दोनों से कुछ बात करना चाहती है, उसने उस्मान से बात की। तुमने क्या कहा बेटा? हाँ पर देखो अगर तुम्हारी हैसियत एक जैसी होगी ना तो तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, अगर फर्क होगा ना तो हमारे जैसे नाराज रहोगे, झगड़ोगे। मॉम सनीम ने भी जान से कुछ बात की है, उसे आपको कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वैसे सब्जेक्ट क्या था? क्या हो सकता है, अलग दुनिया है, इसने वर्कआउट तो नहीं होगा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, कुछ नहीं होगा। हाँ जाने दो, हाँ ठीक है जाने दो। हाँ अब बातें रहने ही दो, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है, रहने दो। मुझे लेट नहीं होना है। अबे तुमने तो कुछ खाया नहीं। मेरा पेट भर गया है डैड, भर गया है। हाँ डैड। सुनो ना, तुमने भी नहीं खाया। इसे हम और पुश नहीं करते हैं। लैला रुको रुको जरा रुको। जी मॉम। रुको रुको एक मिनट। ओह गॉड क्या हुआ? रुको रुको तुम्हें कुछ देना है। क्या है ये क्या है? तुम्हें किसी की नजर ना लगे इसलिए ये ब्लू बीन्स रख लो, ठीक है? ये अपने पास रखना, ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे। चलो अपना आंखें बंद करो और प्रे प्रे करो, चलो। यहाँ बैठो। भाई कल रात जो हमने बात की थी वो याद है ना? एकदम शांति से बात करना, जरा भी चिल्लाकर बात मत करना। इमरान मैं शांति हूँ, डोंट वरी। वो हमारी मॉम है, वो क्या कहेंगी मुझे वो जानना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मॉम, क्या आप ठीक हैं? हाँ हाँ ठीक हूँ। आइए बैठिए। क्या हुआ? मेरी गर्दन, मैं काफी स्ट्रेस्ड हूँ। कल पूरी रात सो नहीं पाई, मुझे बहुत बुरा सपना आया था। उस औरत ने मेरी साइकोलॉजी बर्बाद करके रख दी है। पता है, कल मैं उनके मोहल्ले में कारपेट साफ कर रही थी। मैं और उनके यहाँ कारपेट साफ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बताओ? आई कैन बिलीव दिस, मुझे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। मॉम, ये सिर्फ एक सपना था, बात को बढ़ाओ मत। सपने हमेशा देखने के लिए अच्छे होते हैं, उस पर इतना सोचना नहीं चाहिए। मैं बात को बढ़ा रही हूँ, मैं बढ़ा रही हूँ। क्या मैं चाहती थी कि ऐसा हो जान? ओके मॉम, ओके ओके, मैं समझ गया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एक्चुअली मुझे अभी सही नहीं लग रहा, जब आप थोड़ा अच्छा फील करें तब हम बात कर लेंगे। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं अभी जाता हूँ। और मैं आज काफी बिजी रहने वाला हूँ, तो मैं बाद में बात कर लूंगा, है ना? गिव मी अ हग प्लीज। गुड बाय, गुड बाय। ओह टेक केयर बेटा। ओके बाय बाय। क्या वो सच में इनोसेंट है? क्या उसकी कोई फॉल्ट नहीं है? सारी फॉल्ट मेरी है, मुझे क्यों? ब्रावो, ब्रावो। वो एग्जैक्टली अपने पापा जैसा है, लोगों की बातों में आसानी से आ जाता है, पर मैं इनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपना बेटा उन्हें मुझसे छीनने बिल्कुल नहीं दूंगी। हेलो पोलन, जी जी। हाँ बोलो। क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो? तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और तुम ही बात नहीं कर रहे, क्या बात है? आयहान, हम दोनों शादी कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने मुझे प्रपोज किया, तुम ऐसा चाहते थे और मैंने एक्सेप्ट किया, हम शादी कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, पर तुम मुझे बात करने ही नहीं देती, तुम हमेशा इंटरप्ट करती रहती हो, तुम मुझे कुछ कहने ही नहीं देती। यानी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं समझ जाती हूँ। मुझे एक ब्राइडल कॉस्ट्यूम मिला और रिंग्स भी मिली थी, तो मैं समझ गई। अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉट के कपड़े मेरे घर पर मिलते तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम स्पेस में जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो जे जे? जे क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? कोई और है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीजें तुम्हें मेरे घर पर मिली वो मेरी दादी ने भेजी हैं। तुम्हारी दादी ने? हाँ यहाँ, वो चाहती हैं मरने से पहले मैं शादी कर लूँ। जी 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 जी, क्या तुम मरने वाले हो? तुम बीमार हो क्या? आयहान, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं दादी की बात कर रहा था। हाँ अच्छा, मुझे लगा कि न जाने क्या सोचती हूँ। वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे वो भेजा, समझ रही हो ना तुम? तो अब हम क्या करते हैं, हम उसे पहन लेते हैं और अच्छे दोस्तों की तरह उसमें फोटोज ले लेते हैं, ठीक है ना आयहान? फोटोज दो दोस्तों के जैसे, पर कैसे? वो उसे मेरी दादी खुश हो जाएंगी और फिर हम हमारी जिंदगी जिएंगे, यू नो, करियर बनाएंगे, और ये देखने के बाद वो शांति से मर जाएंगी। इसके लिए शादी की क्या जरूरत है ना आयहान? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम हो जो शांति से मरोगे जेजे। तुम उस प्यार को ठुकरा रहे हो जो तुम्हें खुश रख सकता है। ये तो मौत से भी बुरा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। आयहान ओके, हम और बातें नहीं करते हैं। मुझे लगा ये प्यार है, पर ये तो सिर्फ फोटो के लिए ही था। आयहान, मैं मॉम से बात नहीं कर पाई उस्मान, उन्होंने मुझे ये दिया है, चीजें बहुत अलग हो गई हैं। क्या दिया है? ये नजर के लिए। नजर के लिए दिया है? हाँ उसी के लिए। ओह मेरी आंटी मैफकी पे। I'm so sorry उस्मान। नहीं तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी आयहान से बात नहीं कर पाया हूँ अब तक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयहान। हाँ क्या हो गया, सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं। आयहान यहाँ पर आओ मेरे पास। क्या हुआ, सुबह तो तुम खुश थी, अचानक क्या हो गया?
जेजे के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई क्या? बोलो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आया, क्या हुआ? क्या जेजे ने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं कर सकते, जैसे कि जिससे तुम प्यार करते हो जरूरी नहीं वो भी तुम्हें प्यार करे, तुम जिसकी वैल्यू करते हो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें वैल्यू करे। मैं बहुत खुश थी, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी, पर हमेशा ऐसा क्यों होता है भाई? हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता, अक्सर ऐसा ही होता है। शायद दुनिया में कहीं भी खुशियां नहीं है यार, ये दुनिया बहुत जालिम है, किसी की खुशियां देख नहीं सकती ये दुनिया। आप क्यों ऐसा कह रहे हो? आप तो खुश हो ना, आपके पास आपका प्यार है, ये अच्छी बात है। आप तो एक दूसरे से करीब हो और दोनों खुश हो, शादी करने वाले हो, मुझे खुशी है इस बात की। चलो मुझे अपना हाथ दो मुझे। ऊपर वाला आपकी रक्षा करे और आपके प्यार की भी। आप खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। पता है आपको एक ब्लू बीन की जरूरत है, मैं आपको एक देती हूँ। नहीं रुको, आंटी मेवकी ने भी नजर के लिए कुछ दिया है, ये देखो। ओ मेरे भाई, दिखाओ मुझे। लैला को पहना दो। आयान मैं कर सकती हूँ, थैंक यू। चलो भाई, मैं ये आपके गले में डाल देती हूँ। ऊपर वाला आपको बुरी नजर से बचाए। उन लोगों में कोई मैनर्स ही नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। और जिस तरह से वो बात करते हैं तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर तुम वहाँ होती तो तुम्हें समझ में आ जाता कि वो कितने मैनर्सलेस लोग हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और क्या कहूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता चांद ऐसे लोगों के साथ आके रह कैसे लेता है। उफ, मुझे भी नहीं पता, मेरी भी समझ में नहीं आता कि वो उन लोगों के साथ कैसे रहता है। हम फिलहाल तो उन्हें टॉलरेट कर लेंगे, पर फ्यूचर में वो हमारे साथ हमारी सोसाइटी में रहेंगे। जरा सोचो, लोग उन्हें देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी रेपुटेशन तो पानी में चली जाएगी, सब कुछ। क्या हुआ मिसेस हुमा, प्लीज संभाल के अपना ख्याल रखिए। आप इधर आइए आराम से। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, पर फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि आपको खुद की फिक्र करनी चाहिए। पता है मैं उसे कन्विंस करने के लिए क्या कुछ नहीं करती, पर वो है कि हमेशा मुझे ही ब्लेम करता रहता है, मुझे ब्लेम करता है। आप उसे कन्विंस मत कीजिए, अभी किसी और को कन्विंस करना चाहिए, ऐसा कोई जिसकी बात जान मानता हो मिसेस हुमा। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ सच में किसी और की, मैं कुछ करने का सोच रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? कल मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है, हाँ, ताकि लाइफ में मजा आ जाए। लगता है आपके पास कोई और प्लान है ना? कल जान का बर्थडे है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, मैं उसके लिए अच्छी सी पार्टी रखने वाली हूँ, तो मेरी हेल्प करोगी? जरूर मिसेस हुमा। हाँ, देखो तो, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। ओ, मुझे तो यकीन नहीं होता कि जान ये सच्चाई देख नहीं पा रहा है। मैं नहीं चाहती कि सनम की शादी जान से हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। हाँ, पर हम भी क्या कर सकते हैं, वो तो पूरी तरह सनम के हाथों में है ना? इडियट। वैसे मिसेस हुमा, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बुक का बहुत सारा काम करना है और उसकी लॉन्चिंग भी पास में आ रही, और मिसेस हुमा आपको भी उसमें जरूर आना है। ऑफ कोर्स, मैं जरूर आऊंगी। ओह, सो स्वीट ऑफ यू मिसेस हुमा। मैं जरूर आऊंगी, या क्यों ना हम दोनों साथ में एजेंसी चले, okay. बातें भी हो जाएंगे। वंडरफुल, और फिर लंच के लिए चले जाएंगे। सनीम, सैंपल की बुक्स आ गई हैं। ठीक है। ये क्या है सनीम? पोलन की बुक्स। देखो वो कामयाब रही, वो चाहती थी कि लॉन्च आज रहे, और देखो ना कैसे उसने अपनी ही फोटो यूज की कवर पेज के लिए। यक। पर ये अच्छी लग रही है,
मेरा मतलब बुक, हाँ बुक बहुत ही अच्छी है, वो इतनी नहीं है। अगर ये अच्छा है तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता। वो कामयाब रही। वो यहाँ जल्द से जल्द आती होगी, मैं ये देखकर बोर हो रही हूँ, मैं एजेंट से चली जाती हूँ, वहाँ जेजे से बात कर लूंगी, शायद ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन रहेगा मेरे लिए। हाँ सनीम बिल्कुल, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। बुक्स को जलाना तो बहुत शेमफुल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओ, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया, वो कितना अच्छा है। मैं तो मेरी कोई बेइज्जती करे ना मुझे मंजूर नहीं है। और वो कौन होती है? देखो बात पैसे की नहीं है, अगर वो चांद की मॉम नहीं होती ना तो मैं और बहुत कुछ सुना सकती थी। वो लड़का बहुत अच्छा है और वो ना हम लोगों को काफी पसंद भी करता है। हाँ सही कह रही हो, पर समझ में नहीं आता वो अपनी मॉम से इतना अलग कैसे हो सकती है, बच्चे तो माँ पर जाते हैं। हाँ सच में मैं भी खुद से ना यही सवाल करती हूँ, पर शायद उसकी परवरिश अलग हुई है इसलिए शायद ऐसा है। हाँ बिल्कुल सही हो तुम। ये लीजिए चाय। रामी आप ही लीजिए। हाँ मुझे भी दो। हाँ आ जाओ आ जाओ। मुजफ्फर मैथ के बे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर क्या कहना है? पर नहीं कहो ना। जाने दो, ये जान और सनीम के बीच में चल क्या रहा है? अगर उनकी शादी होगी ना तो हमेशा वो झगड़ा ही करते रहेंगे, एक जैसे तो है नहीं, बहुत अलग है दोनों, झगड़े होंगे। हाँ कोई बैलेंस ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, मैं अब सनीम की देखभाल नहीं करता हूँ तो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। आप चेक करो पक्का वो डिप्रेशन में है। मुजफ्फर प्लीज, तुम जरा हमें अकेला छोड़ दोगे? तुम्हारी सलाह किसी ने मांगी नहीं है यहाँ पर, तुम जाओ। क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता था लेकिन वो हमेशा मेरे प्यार को ठुकराती रही। लेकिन अब उसकी खुद की हालत खराब है, उसके आजू बाजू में कोई भी नहीं है, वो अब अकेली है, उसके साथ में कोई नहीं है। वो बोलते ना इधर कुआं उधर खाई, एक मुजफ्फर था उसको भी उसने जाने दे दिया अपने हाथ से। अब देखो उसकी हालत कैसी हो गई। अगर वो मेरे साथ रहती तो मैं उसको हमेशा खुश रखता, लेकिन नहीं, सनीम को तो वो जान ही पसंद है ना, क्या करे। आप लोग उसके साथ जाकर बात करिए, कहीं उसकी हालत और ना खराब हो जाए। ये क्या कह रहा है, क्या तुम सच कह रहे हो? बताओ मुझे क्या बोल रहे थे तुम? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सब कुछ हार्मनी में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, समानता में होना चाहिए। देखो वो है जान देवित और वो इतना अमीर है, इतना अमीर है कि आप पूछो मत। हम पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे ना तब भी उसके जितना पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, इसकी बातों में तो दम है, वो लोग कच्चा मांस खाते हैं, वो लोग अंडे नहीं खाते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो जो चाहे वो खाते हैं, वो जो चाहे वो पीते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अमीर लोग होते ही ऐसे। लेकिन अब बहुत हुआ, उन्हें सनीम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत हुआ, अब मुझे बहुत ही चिढ़ आ रही है, तुमने हमारा पूरा मूड खराब कर दिया, अब तुम क्या करोगे? जाओ यहाँ से जाओ। सच्चाई का जमाना ही नहीं है, सच बोलो तो कड़वा ही लगता है हमेशा। हे ऊपर वाले, आकाश ऐसा होता कि सनीम को उस्मान के जैसा आदमी मिल जाता। जान भी ठीक है पर ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे पूछना तो चाहिए ना हमसे। मेरी हाथ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। हाँ सही कहा, उसे कोई उसके बराबरी का मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल साइज का हो, इतना बड़ा नहीं, उसके लिए किसी को ढूंढना चाहिए। पर मैं नहीं, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम रियली सॉरी। कैसे हो सनम? पूछने के लिए थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। अच्छा, ओह गॉड ब्लेस यू सनम। क्या ये ओरिजिनल साइज है? हाँ। कमर? उसकी खुद की कमर। आंखें? उसकी अपनी आंखें। आंखें? हाँ। फोटोशॉप होगा? नहीं। फोटोशॉप? नहीं फोटोशॉप नहीं है, हमारी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। पर देखो ना वो कितनी लंबी लग रही है मुझसे फोटोशॉप की वजह से। ठीक है सनीम, मैं समझ सकती हूँ। ओके, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हूँ क्या, मुझे काम करना है, क्यों किसी को धोखा देना, क्यों? कोई जरूरत नहीं है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। ओह माय गॉड, वो तो हर जगह है, इसे हर जगह पर क्यों रखा है? ये देखो सनीम, क्या तुम्हें ये सूट करता है? अनबिलीवेबल, तुम अजीब लग रहे हो, तुम कितनी अजीब दिखती हो, तुम घूरती हो, तुम डेंजरस लगती हो, डर लगता है तुमसे। अच्छा मैं सांस नहीं ले पा रही। अच्छा आराम से जीजे। हाँ आराम से ही तो कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ मैं सुबह से इसे कैरी करते करते थक गया हूँ, बहुत थकान हो रही है। हाँ हाँ, जैसे कि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? मिस पॉलिन। सच में? क्या वो नई एजेंसी ज्वाइन करने वाली है? वो करती है, वो करती है सनीम। तुम यहाँ से चली गई तो अब यहाँ उसके साथ डील करने के लिए कोई नहीं है। कंपल्सिव ऑब्सेसिव एजेंसी अब एकदम साइफाई प्लेस बन गई है, हर जगह बस पोलिंस है। पोलिंस ने इस जगह को घेर लिया है, वर्ल्ड को इन्वेड कर लिया है। देखो इसे सनीम, देखो। बात हुआ, चिल्लाओ मत जीजे, मिस्टर जान सुन लेंगे।
और ये जो कुछ भी है ना वो रियल नहीं है। जैसे मुझे ये नजर आया और मैंने कहा ये ओरिजिनल पैर नहीं हो सकते, सब कुछ फोटोशॉप है। मुझे इस पर यकीन नहीं, ये सब कुछ फेक है, सब फेक, फोटोशॉप फेक है, एकदम फेक है। हाँ पर मिस्टर जान ये चाहते थे, वो चाहते थे कि ये ओरिजिनल साइज में बने। ओरिजिनल साइज है, मिस पोलिन ऐसी ही है, देखो उसे ऊंची है। जान ने ऐसा कहा था? हाँ क्या तुम्हें कोई कंप्लेंट है? जाओ और डायरेक्ट मिस्टर जान से कहो ना। जान ऐसा चाहते थे? नहीं, मिस पॉलिन चाहती थी, उन्हें एक फोटोग्राफर भी उनके साथ चाहिए था, पर मिस्टर जान ने मना किया और ये उसी प्रोजेक्ट्स में से एक है। तुम वहाँ क्यों देख रहे हो जीजी? मैं अपनी आंखें बंद करके उस तरफ क्यों चला जाऊँ? अगर मैं गिरकर अपना हाथ तोड़ देता हूँ फिर क्या होगा? क्या करूँ बताओ? बंद करो। ये लो। जान, 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 ये मॉडल कितना अच्छा है ना? वाकई में बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे प्लीज मिस सनेम की फोटो लेने दो। हाँ हाँ ले लो। इधर देखो सनेम, अब यहाँ देखो। ठीक है, बहुत अच्छे। गुड, तो अब मैं जान से मिलने जाती हूँ। हाँ पहले मिस्टर जान फिर दूसरा वाला। मुझे लगा था मुझे नौकरी से निकाल दिया है, ऐसा लगा जैसे मुझे नौकरी से निकाल दिया। सनम, यू नो मैं जिंदगी भर एक ऐसी औरत की तलाश में था जो मुझे संभाल पाए, और अब मुझे लगता है कि फाइनली वो मुझे मिल गई। सच में अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। जान वैसे मैं काफी जेलस हूँ, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे मुझे ये पब्लिशिंग हाउस में रखना चाहिए ताकि वहाँ पर थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहेगी, थोड़ा अच्छा माहौल बना रहेगा, है ना? तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें जो करना तुम वही करती हो ना। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, वो बस स्ट्रेस और ट्रबल देता है। तो मुझे अब ये बताओ कि क्या तुमने अपनी मॉम से बात की या नहीं? बताओ ना, बात की या नहीं? जान नहीं, कल उन्हें एक नाइटमेयर आया था इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई, वो काफी अपसेट नजर आ रही थी। नाइटमेयर? क्या बकवास कर रही हो, क्या ये कोई एपिडेमिक है? मेरी मॉम भी यही कह रही थी कि उन्हें कल रात को कोई नाइटमेयर आया था। ऐसे कैसे? Exactly, मैं भी वही सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नाइटमेयर आया था और आज सुबह उनकी गर्दन अकड़ गई थी। मेरी मॉम काफी गुस्से में थी इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई। अब हम क्या करेंगे जान? कितनी स्वीट हो, मैं फिलहाल तुमसे यही कहना चाहता हूँ बस, अब हम क्या करेंगे? इसे आज के दिन यही छोड़ देते हैं, एंड ट्रस्ट मी कुछ दिनों बाद वो काम हो जाएंगे, ठीक है? फिक्र मत करो। आई ट्रस्ट यू जान। ओके, ऐसा सोचते हैं कि हमने सारी प्रॉब्लम्स को एक बॉक्स में रख दिया है और वो बॉक्स हम एक शेल्फ पर रख देते हैं, और चलिए हमारे चेहरे पर से ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस को हटा देते हैं हम, क्योंकि कल आपका बर्थडे है। आई थिंक मुझे मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना, यू नो मेरा मन नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा क्यों जान, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपका एक भी स्पेशल मोमेंट खोना नहीं चाहती। हे सनम, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो। मुझे अब काम करने के लिए जाना चाहिए। चलो जान चलते हैं, पोलन की बुक जल्दी खत्म होनी चाहिए, ये सब जल्दी खत्म होना चाहिए। मैं जान के साथ हूँ। सनेम तुम क्या कर रही हो? नीचे जा रही हो जेजे, और तुम? हाँ तुम वहाँ जा रही हो और मिस्टर जान को अपने साथ लेकर जा रही हो, क्यों क्यों? हाँ पर उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है, मैं उन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। तो अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ वैसे तुमने क्या किया, तुमने अयान से बात कर ली, क्या कहा उसने? हाँ की, आज सुबह हमने बात की। क्या हुआ फिर, क्या वो तुमसे नाराज है? गुस्से वाली ड्रैगन बन गई है, उसके मुँह से आग बरसती है, आग। सच में? तुमने उसे क्या कहा, सच सच बताओ जीजे। मैंने उसे सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, सब कुछ ओपनली कह दिया। हाँ पर अयान तो शौक हो गई होगी, मैं जानती हूँ उसे, पर तुम्हारा क्या, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं नहीं जानता, प्लीज सनेम मेरी मदद करो इसमें प्लीज। फिक्र मत करो,
तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं पूरा ट्राई करूंगी, तुम हार मत मानना, मुझ पर यकीन करो। अयहान एक लाइफ कोच है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर तुम उसे दोबारा बात करोगे ना, तो मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी कि तुम ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों करते हो, उसे बस थोड़ा सा वक्त दो। थैंक यू सो मच सनम, तुम कितनी स्मार्ट हो, कितनी क्लेवर हो, आई लव यू। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं जा रहा हूँ। मत जाओ। सॉरी, जाना होगा। तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो ना? ओ नहीं। क्या तुम उसे अपने साथ ले जा रही हो? पब्लिशिंग हाउस में। अच्छा आइडिया है। ओ, कितना अच्छा है मेरा हैंडसम बेटा। हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, हमें उसकी जरूरत है, राइट? हाँ सच में, आई अग्री, वी नीड हिम। ओ कितना अच्छा है। मुझे तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना, वैसे भी आज लॉन्च है। इन्हें क्या हो जाता है, कल अलग बिहेव कर रही थी, आज अलग, मुझे समझ ही नहीं आता। जी जी, अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। ये कॉल मुझे मीटिंग के पहले ही करना होगा। कैसे कैसे, अब ठीक है। अयहान लाइफ कोच? हाँ मैं बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है। एक इमरजेंसी है। ओ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो। वैसे मेरे कई प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ मैं समझती हूँ, वैसे सॉरी मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो तुम मुझे सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ, और तुम्हारा सरनेम क्या है वो बताओगी? यूसुफ। मैं समझ गई तुम्हारा नाम यूसुफ है, पर तुम्हारा सरनेम क्या है वो बताओ। वो भी यूसुफ है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ वो तो है, एक्चुअली वो मुझे इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे, इसलिए मैं मेरे माँ बाप के बारे में बोल रहा हूँ। मिस्टर यूसुफ, क्या आपकी जिंदगी में फिक्र है, ऐसी चीज जिससे आप डरते हैं, घबराते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मुझमें बहुत सारे डर छुपे हुए हैं, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैं बताओ मैं क्या करूँ। ये डर ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओ एक्सपीरियंस जरूरी है मिस्टर यूसुफ, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, पर आप बताइए कि आपके लिए क्या करना चाहिए। ये इसे कॉन्फिडेंशियल रखिए। क्या कहा? प्रॉब्लम्स। पर हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, डॉक्टर और पेशेंट के अलावा किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। ओके मिस्टर यूसुफ, मुझे मेरा कैलेंडर चेक करना है और फेस टू फेस एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, उससे मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगी। नहीं नहीं, और एक प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा बिजी होता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। पर अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स ही कहाँ की, हम ऐसे अरेंज करते हैं जब आपका डे ऑफ हो। नहीं मुझे डे ऑफ नहीं मिल सकता, चलिए ना फोन पर ही करते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज हम फोन पर ही बात करते हैं ना। समझ सकती हूँ, पर हम ऐसे बात नहीं कर सकते, थेरेपी ऐसे करना पॉसिबल नहीं, फेस टू फेस होना जरूरी है। हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑपरेशंस होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं। क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, हम दोनों ऑनलाइन अच्छे से बात कर पाएंगे, हमने ऑनलाइन मोड को यूज करना चाहिए क्योंकि वही एक ऑप्शन है, समझ रही है ना? अच्छा मुझे नहीं पता, प्लीज हम ऑनलाइन ही बात करते हैं ना, प्लीज प्लीज। हाँ तो तुम ऑनलाइन पे करोगे, ठीक है फिर हम वैसा ही करते हैं, हम ऑनलाइन सेशन शुरू करते हैं, वो ठीक रहेगा। ओ, ये बहुत अच्छी बात है, अब मुझे काफी रिलैक्स लग रहा है, अब मैं बहुत ही, मैं चलता हूँ, मुझे अपना एजेंडा चेक करना है। ठीक है तो हम अपनी ऑनलाइन सेशन। तुम दोनों ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, समझ नहीं आता, मैं बिजी हूँ, ढेर सारे काम करने हैं मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ ये साफ करते करते। ये सब क्या है, ये बॉक्सेस यहाँ क्या कर रहे हैं, किसने यहाँ इन्हें छोड़ा? क्या मीटिंग खत्म हो गई? चलो बहुत अच्छे। मुझे पता नहीं जान, बहुत अटेंशन मेरे लिए बोरिंग हो सकता है, मैं मजाक नहीं कर रही, सच मानिए ये मैसेज मैंने नहीं सेंड किया है। हेलो मिस्टर जान, हेलो कहो। हेलो गाइस, कैसे हो, व्हाट्स अप? अब तुम ब्रेक ले लो जान, मैं संभाल लूंगी। हेलो मिस्टर जान, एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, मैं आ गई, मैं एजेंसी में थी। हम देख सकते हैं, वैसे सनीम ये सब तुम लेकर आई हो? हाँ सब कुछ नहीं, मैं बस वो लाई जो मेरा था, वहाँ बहुत क्राउडेड लग रहा था और उन्हें एक ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए मैं ले आई यहाँ पर।
बुक काफी अच्छी है सनम, तुमने देखा हाई क्वालिटी वाली बुक। हम दोनों ने साथ में मिलकर कर दिखाया, हमने जीरो से शुरू किया था और आज देखो इसका लॉन्चिंग है। और तो और इन खूबसूरत फोटोज के साथ और रेसिपीज के साथ तो ऑब्वियस है कि हमारी बुक बहुत ही अच्छी लगेगी, क्यों सनी? कुछ नहीं, सब लोगों ने साथ में कर दिखाया है। इस लॉन्च के बाद बुक की रियल जर्नी शुरू हो जाएगी, हम तब तक कुछ नहीं कह सकते। फाइनली ये मोर देन इनफ है। दरअसल ये बुक मेरी तरफ से जान को बर्थडे प्रेजेंट रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट रहे ताकि वो देखकर खुश हो जाए। प्रेजेंट? कैसा प्रेजेंट? तो चलो अब मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ओके, बाद में आके मिलती हूँ। प्रेजेंट? कैसा प्रेजेंट? मुझे एक मीटिंग में जाना है तो मुझे देरी हो रही है, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चल रहा है? यही पोलन की बुक है ना? हाँ। कुछ राइस रेसिपीज है। बिल्कुल। और वो कह रही थी कि इसे जान को बर्थडे गिफ्ट देगी। किडिंग? जैसे कोई मजाक है। बिल्कुल इडियट है वो। ये कोई मजाक है? तुम खुद गिफ्ट देने वाली हो तो तुम सामने वाले को गिफ्ट देने से नहीं रोक सकती, तुम्हें ये समझ में नहीं आता क्या? मैं जान के लिए गिफ्ट बना चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सबसे बेस्ट हो। सनीम ये सब क्या है? जान, जान है। एजेंसी में इसकी पोजीशन बहुत गलत थी, इसीलिए उस क्राउड में से मैं उसे यहाँ लेके आई बस। हाँ ये बहुत अच्छा है। अब मुझे जाना चाहिए, मुझे चेक करना है वो क्या कर रहे हैं और उस लड़की को मुझे कुछ और प्रोग्राम्स बताने हैं। मुझे काम अधूरा छोड़ के आना नहीं चाहिए था। शायद मुझे पोलैंड का मॉडल लेना चाहिए, मैं उस पर डार्ट खेलूंगी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। क्यों है ना जान, मैं हमेशा आपका ख्याल नहीं रख सकती। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। जैसे मिस लैला ने मुझे बताया था मैंने वैसे अरेंज कर दिया है। बताओ मुझे, ये ठीक तो है पर कुछ स्मॉल मिस्टेक्स अब भी हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम करेक्ट करो। मिस्टर एमरे, आपने बताया था कि कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। सही कहा, लेकिन उसकी टिकट्स मेरे पास नहीं है। मुझे दो टिकट्स मिली है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे कॉन्सर्ट में? हाँ, वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली थी पर वो बिजी है। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच, पर इस वीकेंड मेरे कुछ और प्लान्स हैं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे साथ में। मिस्टर एमरे, आपने मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, इसलिए मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ, इसे छोटा सा तोहफा ही समझ लीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत बोलो तुम। आप जानते हैं मैं काफी क्लमजी हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, तो प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, पर मैं वादा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे प्लान्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके, थैंक यू, और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू, और भी है। लैला? मिस्टर एमरी। हेलो, वेलकम। थैंक यू, मैं कुछ प्रोग्राम्स दिखाने आई हूँ मेलिस को, अगर आप बिजी हो तो मैं। नहीं नहीं नहीं, हम बिजी नहीं है। मेलिस तुम लैपटॉप लाओ, लैला के साथ जाओ। अभी लाई मिस्टर एमरी। हैव अ सीट प्लीज। हाँ। लैला तुम कैसी हो? लैला मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरी, थैंक यू। गुड, मैं भी ठीक हूँ। सुपर। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो और खूबसूरत भी दिख रही हो। मैंने अपनी जिंदगी के लिए न्यू डिसीजंस लिए हैं, नए डिसीजंस। मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी तुम क्या बताओगे मुझे कि अपनी लाइफ में क्या नए डिसीजंस लिए? ऑफ कोर्स, मैं आ गई। वेलकम। ये देखिए मिस्टर एमरे, हमारी जगह कॉन्सर्ट के फ्रंट में है। कितना अच्छा है, क्या आप लोग कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं? नहीं। हाँ, जिस मूवी को अभी ऑस्कर अवार्ड मिला था ना, तो उसी मूवी में जिन्होंने म्यूजिक दिया था उन्हीं का कॉन्सर्ट है। मिस्टर एमरे भी मेरे साथ चल रहे, इन्हें भी वो बहुत पसंद है। मैं उस ग्रुप को जानती हूँ, मेरे फियांसे ने टिकट ली थी। ओह कितनी अच्छी बात है, वैसे शायद हम लोग कॉन्सर्ट के पहले कुछ खाएंगे, तुम भी चलना चाहोगी? मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए
आप अपने प्लान्स खुद बनाइए। लला एक्चुअली मेलिस चलो काम शुरू करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। ओके चलो शुरू करते हैं। चलो चलते हैं, चलो नहीं तो हमें देर हो जाएगी। मिस्टर यूसुफ हेलो। मिस आयहान। हाँ मैं आयान बोल रही हूँ। मैं पूरी तरह रेडी हूँ तो क्या हम स्टार्ट करें? पहले मैं हैंग अप करती हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं हैंग अप मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हम बात कैसे करेंगे? हाँ हम टेलीपैथी से तो बात नहीं कर सकते है ना मिस आयहान? नहीं नहीं हम कैमरा ऑन करके कॉन्वर्सेशन करते हैं, मैं ऐसा कह रही थी। कैमरा ऑन? नहीं 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 क्योंकि मैं अभी अभी मैं अभी बाथरूम से आया हूँ, मैं नेकेड हूँ और ये प्रॉपर नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है। प्लीज प्लीज बात को समझो, ये मुमकिन नहीं है प्लीज। मिस्टर यूसुफ सिर्फ हमारे चेहरे, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि थेरेपी अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं, उससे मैं प्रॉब्लम समझ पाऊंगी। नहीं फेस नहीं प्लीज, ऐसा करो जैसे कॉल सेंटर्स वाले करते हैं, हम बस फोन पर बात करते हैं, कैमरा नहीं चेहरा नहीं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वैसे मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है और मुझे लगा कि वो कुत्ता है, यू नो समझने की कोशिश करो। मुझे लगा कि ऐसा है कि फोन पर होगा, हम यही फोन पर ऐसे ही करते हैं है ना, शायद आपके साथ ही कभी ऐसा ही हुआ होगा। ओके हम ऐसे ही शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो बोलिए। ओपनिंग लॉन्च अच्छा है पर उस पर स्पीच लिखना, वो क्या कहेगी? शायद क्वेश्चन आंसर, मुझे लगता है वो ऐसा करेगी, पर उससे सवाल क्या पूछेंगे, मैं क्या लिखूं? सलेम तुम कितनी बार इस लिस्ट को देखने वाली हो? मैं इसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि पोलन इसमें एक भी गलती ना निकाले। ओ, मुझे लेने दो, तुम फिक्र मत करो इसमें एक भी मिस्टेक नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और तुम पोलन की फिक्र मत करो। मुझे सिर्फ पोलन की फिक्र नहीं है, मैं मिसेस ह्यूमा के बारे में भी सोच रही हूँ। हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारा कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है। हाँ एक बात तो क्लियर है, मेरा और मिस्टर जान का रिलेशन, बाकी सब कंफ्यूजिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि तुम जिससे प्यार करती हो उनके घर वालों के साथ तुम्हारी जमती नहीं है और तुम उनके लिए काफी स्ट्रेंजर हो। हाँ जैसे कि तुम एक एप्पल के दो टुकड़े कर दो और दूसरा कि तुम्हारे और उनके फैमिली के बीच बहुत ज्यादा गैप होती है, तब कुछ समझ नहीं आता। अब मैं कैसे बताऊं? मुझे तो लगता है कि वो औरत बहुत ही ज्यादा जिद्दी औरत है और वो तुम्हें इंसिस्ट बहुत करती है। यस गुड कमांड, वो काफी इन्फ्लुएंसिंग है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, चलो हम ज्यादा लेट नहीं होना चाहते। ओके मैं अपनी चीजें ले लेती हूं। ठीक है मुझे मिल गया। क्या तुम इसे नहीं लोगी? हाँ मैं मेमोराइज कर चुकी हूँ, लेकिन कोई गलती हुई तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। कोई बात नहीं तुम ओवरकम कर लोगी। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए, जिस चीज से आप परेशान हैं, वो बताइए मुझे। क्या मैम क्या कहूँ, मेरा मेरे मंगेतर के साथ ब्रेकअप हो गया, हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मैं उसे मिस करता हूँ और मैं वापस उसका दिल जीतना चाहता हूँ, पर मैं ये कैसे करूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं समझ गई, आपने अपनी फियोंसे के साथ क्या किया था? ऐसा कुछ जो नहीं करना चाहिए था, मैं उसे बुरा कह चुका हूँ, हम शादी करने ही वाले थे पर हमने नहीं की, मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, बताइए अब मैं क्या करूँ, सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले शांत हो जाइए और गहरी सांस लीजिए। हाँ साथ में सांस लेते हैं। एक मिनट मेरी पोजीशन अरेंज करता हूँ, उसके बाद हम वो करते हैं। ठीक है रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना हम सेंटर में रहें, शांत रहें। ठीक है इसे रिपीट करते हैं, मैं शांत हूँ और मैं शांत ही रहूँगा, ऐसा कहिए। मैं खुद को ऐसा ही कहता रहूँगा, मैं शांत हूँ, काफी शांत हूँ, काफी शांत हूँ। जी जी हेलो हेलो मिस्टर यूसुफ, प्रॉब्लम क्या है, हर बार जे करते रहते हो, अकेला छोड़ दो मुझे, दिखाई नहीं देता, बिजी हूँ मैं, अनबिलीवेबल, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, और अगली बार नॉक करके आना। हाय
हाय वेलकम। अच्छा है सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया टाइम से वो भी। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। चलो कोई अच्छी जगह चलते हैं सिर्फ तुम और मैं। ये पिंक रेड और पर्पल शू काफी अलग और यूनिक लग रहा है। इस एजेंसी के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव काफी वाइड हो गया है। ओह रियली? मैं फिलहाल जान की एक्स गर्लफ्रेंड के बुक के लॉन्च पर आई हूँ तो बाद में कॉल करती हूँ। ओके ठीक है जी। ओके ठीक है बाय हनी। चलो शुरू करते हैं। ओह हेलो अच्छा लगा मिलके। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हम इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टार्ट हो रहा है। मिस पोलन हमने सुना है कि इस बुक के आर्ट डायरेक्टर मिस्टर जान हैं और फोटोज भी उन्होंने ही लिए हैं। क्या ये सच है? हाँ ये सच बात है और मैं बहुत लकी हूँ कि उसने मेरा साथ दिया वो बहुत अच्छा है। मिस्टर जान आपके एक्स बॉयफ्रेंड है ये बात भी सच है ना? हाँ पर वो सब पुरानी बातें हैं। आप दोनों हाई सोसाइटी के फेमस कपल हैं और आप आज भी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो सो मच। पर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया ऐसा क्यों मिस पोलिन? क्या ये बुक आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी स्टार्ट हो सकती है? हे गाइस आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप लोग परेशानी मत खड़ी करो हम दोनों बिजनेस में साथ में ये एक बुक प्रोजेक्ट है और कुछ भी नहीं। हम यहाँ इस बुक के बारे में बात करने आए हैं। लोग वेट कर रहे हैं हमारा सो प्लीज स्टॉप इट। ओके मैगजीन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये बुक ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो प्लीज उसके बारे में पूछिए। कम ऑन चलो जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कशन होना चाहिए ना फिजूल के सवाल पूछे जा रहे हो। चलो स्टार्ट करो आप। ठीक है तो बुक के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जाएं प्लीज। आपने बुक लॉन्च करने का क्यों डिसाइड किया? सबसे पहले तो मुझे वर्ल्ड क्विजींस का पता चला तब मुझे ऐसा लगा कि हमारे खाने में फ्यूजन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर यू नो इसलिए मुझे लगा कि हमें सब ट्राई करना चाहिए ऐसे ही शुरुआत हुई। क्या बात है। यस थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। ये लीजिए और ट्राई जरूर कीजिएगा। हेलो कैसे हैं आप? अपने इस एंग्री फेस को चेंज करो ना। क्यों आप तो सालों से अच्छे कपल थे और आप दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। क्या उसके साथ hey, हम है कपल ऑफ द ईयर नहीं एक्चुअली कपल ऑफ द सेंचुरी। ओह थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आप दोनों को हमेशा साथ में रहना चाहिए आप दोनों सूट करते हैं एक दूसरे को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ओह तो हमें शादी का गिफ्ट क्या लेना चाहिए शायद गोल्ड लेना चाहिए नहीं मार्केट काफी हाई है ना। हेलो वेलकम सनम ये काफी अच्छी मीटिंग हो रही है क्या लगता है तुम्हें? और तुमने काफी परफेक्ट काम किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है ग्रेट जॉब। हाँ हाँ ऐसा लग तो रहा है। हेलो तुम लॉन्च के बारे में क्या सोचती हो? इट इज परफेक्ट हमें बहुत अच्छा लगा सबने बहुत मेहनत की है स्पेशली जान ने शायद तुमने जान और पोलिन की साथ में फोटो नहीं ली है तुम्हें लेनी चाहिए मसाला मिल जाएगा। ओह रियली ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके मिस्टर जान क्या हम आपकी और मिस पोलिन की एक साथ फोटो ले सकते हैं? हाँ जान ये काफी अच्छा रहेगा ये हमारा म्यूचुअल प्रोजेक्ट है तो आओ ना प्लीज आ जाओ आओ। हाँ इनका म्यूचुअल प्रोजेक्ट है तो फोटो काफी इम्पोर्टेंट है। मिस पोलिन क्या आप और प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी मिस्टर जान के साथ? हाँ क्यों नहीं क्योंकि हमने इस बुक पे बहुत काम किया है तो कोशिश तो ये रहेगी कि आगे भी साथ में काम करें हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके गाइस इस बुक की सीक्रेट हीरो है मिस सनम आपने इनके बारे में कुछ नहीं कहा मिस सनम वो यहीं पर है सनम। मिस सनम हमने आपको पहले भी मिस्टर जान के साथ न्यूज़पेपर के फोटोज में देखा था। हाँ ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी काफी पुरानी यादें ताज़ा कर ली आपने मुझे लगा आप ये स्किप करोगी। और मिस्टर जान की न्यू गर्लफ्रेंड ऐसा मेंशन किया था। हाँ वैसे तो मुझे मेरी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करना बिल्कुल पसंद नहीं है
पर अब जब आप पूछ रही हैं तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके सामने सच आए और ना कि कोई बनी बनाई स्टोरी जिस पर आप यकीन करें। हाँ, ये सच है कि मैं और सनम एक साथ हैं। आपका रिलेशन कब स्टार्ट हुआ? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू। मिस्टर जान, आप दोनों कब से साथ में हो? आप कहाँ मिले थे और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या थे? मैं आप सबको अपने भाई से मिलवाना चाहूंगी, वो इस बुक का पब्लिशर भी है, आपको उससे मिलके बहुत खुशी होगी। इधर आओगे प्लीज, यहाँ आ जाओ। थैंक यू पोलन। मिस्टर जान, आपकी गर्लफ्रेंड जानती है कि मिस पोलन आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी? हम बुक पर फोकस करते हैं क्योंकि प्राइवेट बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। आप जान के साथ बाद में भी बात कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में काफी लंबे समय से था और जान ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं ये बुक लॉन्च करूं। उसने हमेशा मेरी कुकिंग को अप्रिशिएट किया है और इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और क्या आप जानते हैं, कल जान डेविड का बर्थडे है। और इसीलिए मैं जान को उसके बर्थडे का सबसे पहला तोहफा देना चाहती हूँ। हनी, क्या तुम वो मुझे पास कर दोगी प्लीज? ओह, कितनी अच्छी टाइमिंग है, मैं काफी शॉक्ड हूँ। हाँ, बहुत अच्छी टाइमिंग है तुम्हारी। इम्प्रेस्ड। मैं ये बुक जान डेविड को डेडिकेट करूंगी। ओह वाओ। हाउ थॉटफुल ऑफ यू। वाह वाह। हाँ सच में। ठीक है। हाँ यू आर राइट। हम जान के साथ राइस कुक कर सकते हैं, ग्रिल चिकन विंग्स के साथ। मॉम हम आ गए। आओ बेटा आओ। मॉम तो काफी खुश लग रही है। हाँ। यही सही टाइमिंग है, चलो। सनी, मैं उनसे बात कर लूंगी, मैं और ऐसे नहीं रह सकती हूँ, ऐसे मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेट्स डू दैट। सच में? ठीक है, चलो। हाँ। चलते हैं। उस्मान, हेलो। हाय हाय उस्मान। हेलो हेलो उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक ऐसा सवाल है भला, वो यहाँ कभी भी आ सकता है, ये उसका भी घर है। मुझे नहीं पता था कि वो आएगा, मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। आदत डालो, ये आता रहेगा। अब ना हम शादी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आंटी मेरे की, मैं सुनिए। आंटी नहीं बेटा, मैं मॉम हूँ ना। आई एम सॉरी, मेव की भी मॉम हमारे शॉप पर आई थी। हाँ, हमने शादी के बारे में बातें की, इसके एक दोस्त का ना सलून है, पिछले साल हम वहाँ शादी पर गए थे, बहुत अच्छी जगह है, मुझे पता है। तो आपने वो इशू सॉल्व कर लिया? अगर उस्मान और लैला पर हमने शादी की बात छोड़ दी ना, तो हो चुकी शादी, बड़ों को मदद करनी चाहिए ना, इसलिए कह रही हूँ। हाँ जरूर, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ मॉम, आप ये वुल ऐसे क्यों बुन रही हैं? मैं उस्मान के लिए स्वेटर बनाऊंगी। वैसे लंबा चौड़ा लड़का है, काफी वक्त लगेगा, कम से कम एक साल तो लग ही जाएगा। मैं इसे लन कलर चूज कराने के लिए साथ ले गई थी, है ना, कितना क्यूट लगेगा, बहुत ही अच्छे लगोगे स्वेटर में। मुझे वहाँ लाया गया और फिर पता है ये मेरी मदद करने घर आ गया, मेरा प्यारा बच्चा। लैला तुम यहाँ आओ, जरा यहाँ आओ। जी मॉम। तुम जरा इसे पकड़ो और इसकी मदद करो। मैं बता नहीं सकती, बहुत थक गई हूँ। बैठो बैठो बैठो, आपस में बातें करो, उनके गोले बनाओ, ऐसे ही तो रिश्ते बढ़ते हैं ना। आप करो करो। उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? मुझे नहीं पता ये क्या है, वो मेरे पास आई और अच्छी अच्छी बातें करने लगी, हमारी शादी को लेकर बात करना चाहती थी वो। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता लैला, मैं क्या कहता, कुछ नहीं कहा मैंने, वही दिन भर मुझसे बस शादी की बात की जा रही थी, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला कुछ। वो एक दूसरे को कभी बोलने का मौका नहीं देती, अब तुम ट्रैप हो। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। उस्मान बेटा खाना खा के जाना। ऊपर वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम कहाँ जा रहे हो उस्मान? मैं कहाँ जा सकता हूँ लैला, अपने घर जा रहा हूँ और क्या। वो मुझे लेने दो उस्मान,
तुम अपना ध्यान रखना। आई एम सॉरी फॉर यू, टेक केयर। उस्मान रुको, उस्मान अब मैं क्या करूँगी, क्या मैं क्या करूँगी बताओ मुझे। उसे अब रोकने की कोशिश मत करो वरना अगले 5 मिनट में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसे लीगली हाँ करना पड़ेगा तुम्हें शादी के लिए। सनीम चुप हो जाओ तुम। चलो ये जल्दी जल्दी करो, तुम क्या कर रही हो। अचानक ऐसे चला क्यों गया, क्या किया तुम लोगों ने। उसे अयान का कॉल आया तो उसे अर्जेंटली जाना पड़ा। मॉम सनीम तुमने इसे मिक्स कर दिया, देखो अब मॉम देखिए इसने सब खराब कर रही हो। मैं क्या करूँ, ये इसकी गलती है, मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब। मॉम अब आप ही संभालिए, मैं तो जा रही हूँ। कुछ नहीं करोगी तुम, देखो क्या किया तुमने, सारा उलझा के रख दिया है। मॉम मैं अभी जाकर लेंटिल सूप देखती हूँ। उसको मैंने घर पे बुलाया था, देखो तुमने क्या कर दिया। अब मिस आयहान, आई एम सॉरी मुझे तभी फोन रखना पड़ा। तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं? नो नो प्रॉब्लम, मैं अब तुम्हारे स्टाइल से यूज्ड टू हो गई हूँ। ओके हम बात शुरू करें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रॉब्लम क्या? हाँ हाँ हम शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलो तो तुम्हारी फियांसे से शुरुआत करते हैं। ओ एक्स फियांसे, मुझे यकीन है वो तुमसे अब भी प्यार करती है। अरे नहीं नहीं, आप इतनी श्योर कैसे हो सकती हैं? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो हमेशा गुस्से में रहती है और फिर बुरी बुरी चीजें कहती है, उसने मेरा दिल तोड़ा है। अच्छी बात है कि तुम ये सब खुद एक्सप्रेस कर रहे हो। अब हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जब तुम सब कुछ अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। जे जे, ओ तो तुम यहाँ सोफे पर टांगे चढ़ा कर बैठे हो। अच्छा भाई क्या किसी ने जे जे कहा? क्या जे जे? नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं फोन रखता हूँ, यहाँ एक दोस्त आया है। शान मुझसे गलती हो गई होगी, हम बाद में बात करते हैं जब तुम अवेलेबल होगे, ठीक है? जे जे मैं भी ना उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, यही वजह होगी। मुजफ्फर ये तुमने बहुत गलत किया। मुजफ्फर तुम्हारी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं, बिहेव योरसेल्फ समझे। मुझे वो चाबी दो। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, ये चाबी मेरे लिए दूसरा मौका है। तुम जो चाहे कर लो, मुझे रोक नहीं सकते, वरना मैं ये चाबी निगल लूंगा। देखो मैं सच में ये चाबी निगल लूंगा। जे जे तुम बस मुझसे दूर रहो। हाँ निगल लो, ठीक है। मुजफ्फर मुजफ्फर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुजफ्फर तुमने सच में निगल ली क्या? तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? एक लव स्टोरी बताने के लिए क्या कभी एक ही किताब काफी होती है? लेकिन ऐसी कौन सी किताब होगी जो ये काम अच्छे से कर पाए? नहीं तो ये किताब बार बार लिखनी पड़ेगी, सभी लेटर्स, उनके वर्ड्स और लाइंस, सब कुछ लव स्टोरी बताने के लिए। हर प्यार की कहानी बताने लायक होती है। और प्यार में वो धड़कने वाला दिल, वो भी तो प्रीशियस होता है। मुझे नहीं पता कि ये बुक काफी होगी या नहीं ये जानने के लिए कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इसे लिखती रहूंगी मेरी पूरी जिंदगी भर। और आपके हर बर्थडे पर आपको यही तोहफा दूंगी, एक ऐसी किताब जो हमारे प्यार की कहानी है। यादें हैं, खूबसूरत पल है, एहसास, वो एक स्पर्श, आपकी सांसें, आपकी महक, आपकी स्माइल, वो सारी बातें जो मेरा प्यार है। मेरे वर्ड्स ने एक प्यार का रास्ता बना लिया है, वही रास्ता जो सीधे सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। लगता है कभी कभी हमारी कहानी भी प्रिंट होगी और लोग उसे लव स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। आपके दिए हुए पंख के कारण ही तो मैं उड़ रही हूँ, अल्बत्रोस के उड़ने का कारण भी आप ही है, इसीलिए स्प्रिंग वापस आया है और आते रहेगा। ये सब क्या था सनी? तुम नॉक नहीं कर सकते दरवाजे को? दरवाजा, क्या तुम्हारी कोई सीक्रेट लाइफ है? मुझे देखने तो दो, क्या छुप रही हो तुम? अरे क्या छुपा रही हो? नहीं वो मेरा है, इसे वापस रखो, प्राइवेट है। क्या है? रुको रुको, मुझे भी देखने दो, मुझे देखने दो, मुझे देखना है। ये कितना खूबसूरत है, ये सब कितना सुंदर है, ये तो बहुत प्यारा है सनेम, ये सब तुमने बनाया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हाँ ये परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट। क्या ये तुमने जान के लिए लिखा था? ये तो फेरी टेल जैसा लगता है। अयान तो मैं किसके लिए लिखूंगी, ऑफ कोर्स जान के लिए ही लिखा है। उनका बर्थडे प्रेजेंट, पलन ने तो उन्हें अपनी बुक गिफ्ट कर ली, लेकिन ये काफी छोटा है, उसके जैसा नहीं कर पाए। बहुत अच्छा है ये। कौन है ये पोलिन, पतली सी लड़की, कौन चिंता कर रहा है उसकी कुक बुक की? कंपैरिजन में तुम्हारा ज्यादा अच्छा है, तुम उसे हरा दोगी देख लेना। क्या सच में? तुम काफी फनी हो। हाँ
अब हम हंसना बंद करेंगे लैला, थोड़ा आप सीरियसली बात करते हैं। अब मैं प्रोफेशनल बनकर बात करूंगी। तो सुनो सनम, प्यार टेढ़े मेढ़े रास्ते जैसा होता है और कुछ पागल लोग होते हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। तो मेरा मतलब है कार कितनी भी एक्सपेंसिव हो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्यार इम्पोर्टेंट होता है, मैं तो यही मानती हूँ। जैसे कि सीट बेल्ट सेव लाइफ। नहीं अरे वैसे नहीं अयान, तुम तो जिंदगी बचाने वाली कोच की तरह बात कर रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ, सब लोग तुम्हारे जैसे लकी नहीं होते लव अफेयर के मामले में। हम सब अनलकी हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी बजाय प्यार के। काम पर ही ध्यान देना चाहिए अब मुझे, मैं आगे बढ़ूंगी उसमें, फिर सब ठीक हो जाएगा। ब्रावो। हाँ यही अच्छा है। जब तुम इसे पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि प्यार पर फिर से विश्वास करना चाहिए। फिलहाल हम अभी की बातें करते हैं, तुम्हें सच में पसंद आया? ज्यादा अयान, मैंने बहुत मेहनत से बनाया ये, देखो। जान इससे पहले मैंने ये फोटो कभी नहीं देखी। ये मेरे पास थी जब मेरा तुम्हारे डैड के साथ ब्रेकअप हुआ, उसके बाद सिर्फ ये फोटो ही रह गई मेरे पास। ये हमेशा मेरे पास रहती है। काफी अच्छी फोटो है, आप कितनी खुश नजर आ रही हैं। मैं बहुत खुश थी, तुम सिर्फ 40 दिन के थे उस दिन तुम्हें एंजल्स ने छुआ था, ऐसा मेरी मॉम ने कहा था। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताती हूँ बेबी, के जिंदगी के पहले 40 दिन तक उसका ख्याल एंजल्स रखती हैं और उसके बाद वो जिम्मेदारी उस बेबी की मॉम की होती है और वो उस दिन उसे यहाँ छूते हैं। ये जो स्मॉल कैप है ना, ये उन्हीं का प्रेजेंट है हमारे लिए, ताकि हम उन्हें हमेशा याद रखें। तुम मेरी पहले एंजल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। और ये सब हाथों में? तुम्हारे चेहरे को खरोंच रहे थे इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा था। ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी बुनाई थी, मैं फिर कभी नहीं बना पाई। इसके अलावा और कई चीजों को नहीं बना पाई मैं। ये सब बीती बातें हैं, उन्हें पास्ट में ही रहने देते हैं। जान मैं कभी तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई बेटा। देखो पहले तुम एक छोटे से बच्चे थे और अब तुम कितने बड़े हो गए हो। मैंने वो सारे पल खो दिए, मैं तुम्हें बड़ा बड़ा होते हुए देख ही नहीं पाई और अब तुम ये सब कुछ पहन भी नहीं पाओगे। क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं ना। आपने इसे रखा था? मैंने संभाल कर रखा था। हैप्पी बर्थडे बेटा। मैंने मिस्टर एमरे से पूछा क्या कोई बचपन की फोटो है बेबी क्लॉथ वाली, अगर कोई है तो मुझे लाकर दो, मैं इसमें उसे लगाना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, अगर किसी दिन मुझे भी ऐसा सच्चा प्यार मिलता है तो मैं भी ये सब उसके लिए करूंगी। अयान मेरी प्यारी दोस्त, मेरी बात सुनो। जे जे तुमसे बहुत प्यार करता है, बस वो थोड़ा अलग है, वो अपने फीलिंग्स के साथ ही जीता है, उसके जीने का तरीका अलग है और खुद को जाहिर करने का अंदाज भी हम लोगों से काफी अलग है। हाँ वो एक बार ऐसा होता है कि हम लोगों की फीलिंग्स समझ नहीं पाते, लेकिन मैं उसे समझा रही हूँ। काश वो मुझे जाहिर कर पाता उसका प्यार, उसका अनोखा प्यार। जाने दो, मैं अब उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, मैं भूल गई उसे। अयान पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हारी फीलिंग्स हमसे शेयर कर सकती हो। अयान पागलों जैसी बातें करना बंद करो। मुझे पता है लेकिन अब मैं थोड़ी देर अकेले ही रहना चाहती हूँ, मुझे जाना। नहीं, नहीं, नहीं रुको, हमारे साथ बैठो, परेशान मत हो। आई लव यू सो मच। अयान हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं सच में। बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहूंगी, ठीक है?
ओके बाय, सी यू। वो चली गई। सनीम, कैसे बताऊं मैं आयान को कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, उस्मान और मेरा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द उसे बता देना चाहिए। हाँ, मुझे भी अजीब सा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है सनीम। जब एमरी को पता चलेगा तो उसे क्या लगेगा? क्या? वो सोचेंगे कि ये तुमने उनके लिए किया है, वो सब अच्छे से समझ लेंगे। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं, पता नहीं। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्या उन्होंने तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं? क्या उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा कि वो तुमसे दूर है सिर्फ आइलिन की वजह से? बोलो, नहीं कहा? हाँ कहा था। तो तुम भी अपनी फीलिंग्स शेयर करो ना उनके साथ। हाँ, लेकिन हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है, समझी तुम? बहुत ही अलग है। प्लीज, एक लिट है, और ऐसा मत कहो और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। प्लीज डोंट डू दिस। सनीम, मैं इसी तरह सोचती हूँ, यही जिंदगी है। तुम्हारा जान के साथ तुम एक्सेप्शनल हो, हम दोनों की दुनिया अलग है, परवरिश भी अलग तरीके से हुई है, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तुम ये जानती हो। जिन लोगों की दुनिया सेम होती है, क्या वो अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं? क्या कहोगी तुम इस बारे में? किस बारे में? मेरा मतलब है कि तुम्हारा और उस्मान का वर्कआउट नहीं हुआ, और अब तुम एमरी के साथ भी नहीं जाना चाहती, मतलब प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी खुद की है। हाँ, हो सकता है, ये सिर्फ मेरा सोचना है। तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है लैला। पागल मत बनो सनीम, मैं ठीक हूँ, ये सब उनकी वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। मैं इसी तरह से सोचती हूँ। सो जाओ। तुमने कुछ सुना? गुड नाइट। सुना तुमने कुछ? सुना तुमने? हाँ, ये तुम नहीं, मैं हूँ। वो मैंने जो कुछ भी लिखा है उसे अच्छे से अप्रिशिएट भी नहीं किया। नहीं, वो काफी अच्छा है। तुम्हारी रिलेशनशिप की वजह से तुमने इसे निगलेक्ट कर दिया, तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की यार। खुद से बात करना बंद करो। तुम चुप रहोगी प्लीज? तुम प्रॉब्लमेटिक हो। ओ, जरा इस कैट को देखो तो। मॉम। हाँ, क्या हुआ? क्या मैं आज कुछ भूल गई हूँ? नहीं मॉम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, शॉप में चलते हैं, कॉफी पियेंगे, फिर बात करेंगे। ओके। आप कह रहे थे कि आपको कुछ कहना है, तो बता क्यों नहीं देते भाई? गुड मॉर्निंग दामाजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी मिर्की बे। फिर से आंटी कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, उसकी आदत डालो। मुझे ना आज से मॉम ही बुलाया करो, कह रही हूँ तुम्हें। की मॉम। इधर आओ, मुझे तुम दोनों का हक चाहिए। तुम भी आ जाओ बेटा, मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है। हा? तुम्हें पता है हम एक अच्छी फैमिली है, ऊपर वाला हमें किसी की बुरी नजर से बचाए। यहाँ लोग बहुत जलते हैं। एक काम करते हैं, शॉप में चलते हैं, कॉफी पीते हैं, वहीं बैठ के बातें करेंगे। अरे नहीं, नो नो नहीं, दरअसल मुझे शूटिंग पर जाना है इसलिए। और मॉम, मुझे ऑफिस जाना है। तो फिर ठीक है, हाथों में हाथ डालो और दोनों साथ में जाओ। तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, किसी की नजर ना लगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ से जाओ, मैं भी देखूंगी। जाओ जाओ, ऊपर वाले मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे, इनकी हिफाजत करना। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं ना आंटी। हाँ, सही कह रही हो बेटा, बहुत अच्छे। तो तुमने भी उसे कुछ नहीं बताया? हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे ना इन्हें तावीज देने चाहिए थे। क्या तुम्हारे पास आदिल का नंबर है? नहीं है नंबर? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मुझे अब शॉप पर जाना चाहिए, मैं आपसे बाद में। अरे चलो, पहले चाय पीते हैं ना, आ जाओ, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। आंटी चलिए ठीक है। लैला, सॉरी मैं तुम्हें बिजी कर रही हूँ, लेकिन जान अभी आने वाले हैं और मैं अपना गिफ्ट प्रिपेयर करके अभी वहाँ सीक्रेट ले रख दूंगी, उन्हें दिखना नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सिस्टर, तुम अपना काम करो। तुम बताओ, तुमने मॉम से बात की? नहीं, अब तक तो नहीं सनीम। क्यों?
हाँ मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं शॉप में गई थी, मॉम चाहती थी कि हम साथ में कॉफी पिए, सो मैं खुश थी कि मुझे मौका मिलने वाला था कि मैं उनसे बात कर सकूंगी। लेकिन उस्मान और अयान वहाँ गए और सब बदल गया। मॉम ने उस्मान की तरफ देखा, उसे दामाद कहा, उस्मान को कहा कि तुम मुझे माँ कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उस्मान तुम ऐसे हो वैसे हो और ये सब वेडिंग की बातें, कितनी सारी बातें वो करने लगी। मैं कुछ नहीं कर पाई सनीम, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इसीलिए तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? हाँ ऑफ कोर्स, मैं कैसे कह सकती थी। उस्मान ने भी कुछ नहीं कहा, हम दोनों हेल्पलेस थे। मॉम चाहती थी कि हम दोनों शॉप में जाएं और वहाँ कॉफी पिए। हम दोनों बहाना बनाकर वहाँ से निकल गए। मैं कुछ नहीं कर सकी, एक वर्ड भी नहीं कह सकी। मैं ये कैसे कर पाऊंगी सनीम, मॉम को बहुत बुरा लगेगा। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सनीम। तुम ऐसा नहीं सोच सकती, मॉम को कुछ देर के लिए बुरा लगेगा लेकिन मॉम तुम्हें किसी से भी शादी करने नहीं देगी। ऑफ कोर्स नहीं कर सकती, लेकिन मुझे भी उन्हें किसी तरह बताना पड़ेगा, लेकिन कैसे मुझे नहीं पता सच में। ठीक है, हम उन्हें बताएंगे, डोंट वरी, हम कुछ करेंगे, डोंट वरी। हाँ हम बाद में देखेंगे। तुमने क्या किया है, अब तक खत्म नहीं हुआ? नहीं मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ। और भी कुछ ऐड करना बाकी है क्या? हाँ अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ मुझे पता नहीं था कि मैं उनके लिए क्या खरीदूँ। मैं उनके लिए कुछ ऑर्डिनरी नहीं लेना चाहती थी, मैं उन्हें कुछ स्पेशल देना चाहती थी और इसके लिए मैंने सोचा कि मैं उसे खुद ही बनाऊँ, सो दैट उन्हें समझ आए कि मैं उनकी कितनी परवाह करती हूँ, जिससे वो मुझे हमेशा याद रखे और हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे। दैट्स वेरी नाइस सनीम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये कुछ लड़कियों वाला तो काम नहीं लग रहा ना? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है ये सच में। ये फोटोज तो देखो, मुझे हर जगह जान दिखने चाहिए। सनीम क्या कर रही हाँ, हो? वो हर जगह है, मुझे उन्हें हर जगह देखना है। आज से चिपकाओ इधर। आयहान? यस प्लीज। यस प्लीज। यस प्लीज, एक ऑर्डिनरी कस्टमर को बोलते हैं, आपको क्या चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज तुम यहाँ शॉप ब्लॉक मत करो, जाओ यहाँ से। आयहान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ बोलो, कहो कहो कहो, क्या कहना है? वही कहना चाहता हूँ जो तुम्हें चाहिए। चाय का ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल। प्लीज यहाँ चाय लेकर आओ, चाय लेकर आओ यहाँ। उसे कहो थोड़ा लाइट बनाना, जाओ। चाय थोड़ी लाइट बनाना। हमारा रिलेशन तो डार्क हो चुका है, कम से कम ये चाय तो लाइट मिले, है ना? मुझे दो ग्लासेस ऑर्डर करने चाहिए थे, फिर हम दोनों साथ में चाय पीते, है ना? मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, तुम्हारे काफी सीरियस प्लान है करियर के बारे में, तुम्हारे पास प्यार के लिए समय कहाँ? आयहान तुम ऐसे मत कहो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। तुम मेरे लिए अब अजनबी हो जीजे, मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है सच में, मैं नहीं चाहती। और इसीलिए मैंने अपना काम वापस से संभाल लिया है, मैं फिर से लाइफ कोच बन गई हूँ। मेरी क्लाइंट है ऑलरेडी, सो मेरा वक्त काफी कीमती है। ओ अच्छा, तो तुम अपना वक्त क्लाइंट के साथ बिताना चाहती हो? हाँ तो यहाँ पर लिख दो रिलेशनशिप एडवाइजर द बुचर। हाँ तुम्हें पता है तुम्हारे लिए यहाँ लिखना जरूरी है जीजे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अब जाओ यहाँ से, ठीक है? काफी रूड हो गई हो आयहान, उस क्लाइंट यूसुफ के साथ तो बड़े प्यार से बात करती हो लेकिन मेरे साथ इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो तुम, बताओ मुझे। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता मेरे क्लाइंट का नाम यूसुफ है? तुमने ही तो कहा था। मैंने कहा उसका नाम यूसुफ है? हाँ तुमने ही कहा था। मैंने ऐसा कब कहा? मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने कहा। एक मिनट, तुमने कहा जीजे, जीजे मेरी तरफ देखो, क्या तुम वही हो? तुम यूसुफ हो? तुमने मेरे साथ ऐसा किया, यू लायर, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे जल्दी जाना है, लेट हो रहा है, मुझे एजेंसी पहुंचना है। बोलो आप भाग कर रहे हो, एजेंसी पहुंचना है, मुझे जवाब चाहिए। चाय ये लो, आ लीजिए। जे जे क्या टाइम हो रहा है,
क्या तुम इस वक्त ऑफिस आ रहे हो? जी जी मिस डेरन, मैं मर गया हूँ। जी जी पागल हो गए हो? हाँ क्या तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी हुई है? तुम मरने वाले हो क्या? जी जी क्या ये सच है? हाँ ये सच है। क्या हुआ है? मेरी जिंदगी में अब जीने की कोई वजह ही नहीं है। सब कुछ शांति से बताओ जी जी। क्या हुआ है बताओ मुझे, सब कुछ ठीक तो है ना जी जी? मैं अयान के लिए मरने वाला हूँ। क्या कहा? अयान? जी जी तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुम सही तरीके से नहीं बता सकते हो? अब सब बताओ क्या हुआ। उसने कहा उससे मेरी जरूरत नहीं है, उसने कहा गो अवे, उसने कहा वो मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी के लिए बना हूँ, लेकिन मैं फिर से अकेला हो गया। ओ नहीं, मुझे किस करने दो। पागल हो, सब तुमसे प्यार करते हैं सच में? नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे जोक्स पे हमेशा इरिटेट होती हो। नहीं नहीं, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम पहले जैसे बन जाओ जेजे। गुलिस जाओ जाकर अपने दोस्त के लिए कॉफी बनाओ। ठीक है। जिस जेजे को मैं जानती हूँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो आप खड़े हो जाओ। समझने की कोशिश कीजिए मिस डेरन, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। चलो कॉफी पियो। नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें इसे पीना होगा, कम ऑन। ठीक है। अब ऊपर देखो, सीधा मुंह करो, चेस्ट बाहर पेट अंदर, और जाकर उस लड़की को वापस लेकर आओ। ऐसा नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, मैं ये मान नहीं सकती। नहीं जेजे, तुम पावरफुल हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम हमारे रोल मॉडल हो। लेकिन अब वो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ना चाहती। तुम्हें उसे मनाना होगा। वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। उससे जबरदस्ती करो। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। तुम्हें उसे फोर्स करना होगा। जैसा आप कहो। यस, मुझे जाकर उसका दिल फिर से जीतना होगा। मैं फिर से वैसे ही करूंगा और उसे मेरे प्यार में फिर से आना होगा। यस डेरन, थैंक यू सो मच मुझे एनर्जी देने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो सने। हेलो जेजी, क्या तुम आ सकते हो? अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मैंने एक सरप्राइज प्रेजेंट बनाया है जान के लिए, और मैं उसे तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, और तुम्हारा ओपिनियन चाहिए मुझे। क्या तुम आ सकते हो? ठीक है, अभी आ रहा हूँ। जी जी कहाँ जा रहे हो? नीचे सनेम ने मुझे बुलाया है, उसने कुछ बनाया है मिस्टर जान के लिए, मुझे दिखाना चाहती है और ओपिनियन भी चाहती है। अच्छा, हम भी चलते हैं, मुझे पता है वो काफी क्रिएटिव प्रेजेंट होगा, मुझे भी देखना है। ये लो, एक सेकंड दीजिए मुझे। मुझे एक आइडिया आया है, मेरे पास भी कुछ स्पेशल है, मैं जाकर लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओ, मैं बस अभी आई। ठीक है ठीक है। जी जी ऊपर देखो, सीधे खड़े रहो और चलो। जी जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पहला चॉकलेट है जो जान ने मुझे दिया था, पहली बार। सनम यकीन नहीं होता, क्या तुमने इसे अब तक रखा है? रोमांटिक। रोमांटिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लो मुझे इसे पहले बाहर निकालो। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो, मैं इसे साफ कर लूंगी। सनम मैं भी कुछ लाई हूँ। सनम सुनो, ये जान का फेवरेट पेन है, इसे नासा में एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन किया है, ये काफी स्पेशल है जान के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसे तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, इसे पता करने के लिए स्पेस में जाना होगा, ये सही नहीं हो सकता, मुझे तो ये गलत लग रहा है, ये गलत है, ऐसी बातों पर यकीन मत करो, ऐसी झूठी बातें ये हमेशा फैलाती रहती है। जी जी, क्या मैं इसे ऐसे ही लेकर आई हूँ? हो सकता है ये सनम को इंस्पायर करे कुछ लिखने के लिए जान के लिए, वो भी इस पेन से। हाँ, मुझे इससे कुछ लिखना है, मैं इससे कुछ लिखना चाहूंगी। मैं एक खाली किताब थी जिसे आपने अपने प्यार से लिखा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सनम, तुम्हारे सोचने का अंदाज, ये रोमांटिसिज्म, यू नो सब कुछ। हेलो सनम, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, जान के बचपन की कुछ फोटोज हैं। वाओ, आपने तो कमाल कर दिया। स्वीट। ओ
ओके, ये फीमेल रिएक्शंस जब तुम लोग सब साथ में बोलती हो तो ये काफी अच्छा लगता है ना मिस्टर एमरे? मैंने सही कहा ना? मेरे भाई की फेवरेट कॉमिक बुक और ये रहे उसके कार्ड्स। मिस्टर एमरे, ये कितना फंटास्टिक है। अरे इस बार देखो तो इन्हें। मॉम के पास भी है लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा सरप्राइज खराब हो। थैंक यू सो मच। ये क्या है? सनम, देखो मेरे भाई को ये बहुत ही पसंद है, बहुत ही कीमती है उनके लिए। आई एम श्योर तुम कुछ अच्छा प्लान कर रही होगी, बहुत खुश हो जाएंगे वो। जितना भी हुआ आपकी हेल्प के कारण, आपके बिना तो ये इम्पॉसिबल था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एमरे। लैला, एक मिनट मेरे साथ बाहर आओ। क्या उन्होंने ये पढ़ा है? हाँ, देखो तो ना कितना अच्छा है। मुझे भी यही लगता है यहाँ पे। ये तो स्वीट। लंच ब्रेक में क्या कर रही हो लैला? क्या? अगर तुम फ्री हो तो क्या मेलिस को हेल्प कर दोगी प्लीज? मेलिस, ऑफ कोर्स। हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पास वक्त हो और तुम्हारा कोई उस्मान के साथ प्लान ना हो तो। मुझे अभी के लिए कुछ भी नहीं पता। कभी कभी कुछ बातें एकदम से हो जाती हैं। उस्मान को सरप्राइज देना बहुत पसंद है। पहले मुझे उससे बात करनी होगी, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। बाय बाय। ये कितना अच्छा है ना, मिस्टर एमरे ने लाया है। आधे से ज्यादा बुक तो इससे भरी है। हे, किसी को पता डेरन का है? मुझे नहीं पता मिस्टर जॉन। तुम्हें नहीं पता? जे जे कहाँ है, गुलिस कहाँ है, सारे लोग? वो सब लोग बाहर साथ में गए थे। मुझे लगता है कि वो सनम से मिलने गए हैं। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूँ एमरे, क्योंकि हमारी आधी एजेंसी आजकल वहाँ होती है, तो मैं जाकर देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। छोड़ो ना भाई, मेरे साथ आओ, हम कुछ बातें करते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है, हमें यहाँ बहुत सारा काम है यार। और डेरन भी वही है और वो ऑफिस में एब्सेंट है। मैं जाकर चेक करता हूँ सब लोग कर क्या रहे वहाँ पर। मुझे शक हो रहा है एमरे, मैं जाकर चेक करता हूँ। सनम, क्या मिस्टर जान यहाँ रहे हैं? ओके मिस्टर एमरे, थैंक यू, थैंक यू, इसे हटाओ यहाँ से, जल्दी 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 करो। ओहो हो, ये सब कैसे बिना जान डेविड के? अरे वाह, क्या बढ़िया जोक कहा तुमने। हाय गीत, कैसी हो डेरन? सनी मिस्टर जान के लिए स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट प्रिपेयर कर रही है, हम सब वही देखने आए थे। सनी, क्या बात है, पूरी एजेंसी यहाँ पर है। हाँ हाँ, तो हमें सारी डेस्क यहाँ लानी चाहिए और जिंदगी भर पब्लिशर बनकर रहना चाहिए। अच्छा जोक मारा जान। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर जान, हम काफी डिवोटेड एम्प्लॉयज हैं। हम जो करते हैं हमें वो बहुत पसंद है, तो अब जब हमें हमारी जॉब पसंद है, गुलिस कुछ तो कहो ना। हाँ हाँ मिस्टर जान, हम बस यहाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के लिए आए थे, वरना आप जानते हैं कि हमारे लिए कंपनी कितनी जरूरी है। हाँ जान, हम बस आ ही रहे थे, हम बस थोड़ा सनम से बातचीत करने आ गए थे। क्या तुम अकेले नहीं कर सकती? तुम्हें पूरी टीम की जरूरत क्यों है? जैसे कि यहाँ कोई कैफे है। उनके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो जान, वो छोटा सा ब्रेक चाहते हैं। ए, हमारी कंपनी ना काफी सीरियस काम करती है, अपने स्केड्यूल पर काम करना हमारी आदत है, तो पहले काम उसके बाद ये सब ब्रेक वगैरह। और मैं तुम्हें भी एडवाइस दूंगा कि ऐसे रूल्स अपनी कंपनी में लाओ जिससे एम्प्लॉइज काम करें। हाँ, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। सरम, तुमने हमारी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। प्लीज कम अगेन मिस्टर एन। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके ओके श्योर। ओके सनम, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। श्योर। जान, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? नहीं, मुझे जाना होगा। उन्हें समझ में आ गया, उन्हें सब समझ में आ गया, मुझे पूरा यकीन है वो सब समझ गए होंगे। क्या कर दिया सनम? जब तुम यहाँ प्रेस करके इसे प्रिंट आउट निकालोगे तो तुम्हें बजट डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लैला। आई होप मेरी वजह से उस्मान के साथ तुम्हारा प्लान ना खराब हो। नहीं, मैं इस प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती थी मेलिस इसे सीख ले। और हम उस्मान से भी अक्सर मिलते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। वैसे मेलिस भी बहुत होशियार है, आई एम श्योर कि वो
बहुत जल्दी सारा काम सीख जाएगी। क्यों मिस्टर एम्ब्रे, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? हाँ, एसेंशियल नॉलेज इम्पोर्टेंट होती है। आई होप कि एक दिन तुम सब कुछ मैनेज करने के लिए केपेबल बन जाओगी। आपको ऐसा लगता है? थैंक यू। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, तो फिर हम काम स्टार्ट करते हैं वक्त ज्यादा ना बर्बाद करते हुए। हाँ क्यों नहीं, शी इज ऑल योर्स। सारे काम पूरे कर दो। थैंक यू। ये देखिए, मुझे लगता है कि मुझे ये लाइन बदल देनी चाहिए। तुम वो फाइल ओपन करो, हम उस पर काम करते हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि मैं होशियार हूँ। शुरुआत में वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, पर अब वो मुझे पसंद करते हैं। लाइक्स यू। हाँ, उन्होंने मेरे साथ कॉन्सर्ट जाने के लिए हाँ कहा, और फिर मैंने स्पेशल प्रोग्राम बनाया। मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए, तो पता चला उन्हें आखिर क्या क्या पसंद है, जैसे कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, और उसी तरह के रेस्टोरेंट में मैं बुकिंग कर चुकी हूँ। सब कुछ सेट किया है मैंने, एकदम रोमांटिक। अच्छी बात है, पर तुम कितने महंगे रेस्टोरेंट्स अफोर्ड करोगी? वो काफी महंगी जगह है, तुम जानती हो ना ये बात। ये सब अफोर्ड करना इतना भी आसान नहीं है। मैं पे थोड़ी ना करने वाली हूँ, बस जा रही हूँ। ऐसे कैसे? प्लान तुम बनाओ, पे वो करेंगे। ओह लैला, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। एक औरत कभी बिल पे नहीं करती, इसलिए मिस्टर एम्ब्रे पे करेंगे, ठीक है? वैसे भी डियर एम्ब्रे मुझे पे नहीं करने देंगे। एम्ब्रे डियर? हाँ, मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि डियर एम्ब्रे, डियर एम्ब्रे, डियर एम्ब्रे इससे यूज्ड हो जाऊँ। तुम उससे यूज्ड हो गए। मेलिस, मैं अब चलती हूँ, मुझे ढेर सारे काम करने हैं, हम बाद में भी काम कर लेंगे, ठीक है? चलो चलती हूँ। ओके। ओह नहीं, सनम, ये सॉरी, मैं तुम्हारी रूम ऑक्यूपाइड कर चुकी हूँ। जान कितने खुशी है, अब मेरे लिए बस एक ही सेफ जगह बची है। ओह आई एम सॉरी, मैं बिना नॉक किए हुए आ गया। ओह तो ये तुम्हारा रूम है। थैंक्स। कैसा चल रहा है सब? ये ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया ये। तुम्हें हेल्प की जरूरत है? हाँ। जब से मैं जान से मिली हूँ, मैंने उनकी काफी चीजें गैदर कर ली है। कई चीजें उनके चाइल्डहुड से बिलोंग करती है, जैसे कि कुछ खिलौने, फोटोज, कॉमिक्स। मैं चाहती हूँ कि इन चीजों को गैदर करूँ ताकि वो अपनी मेमोरी बुक को हर वक्त देख सके और अपनी यादें ताज़ा करे। ये एक अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा, अब तक का बेस्ट आइडिया। क्या रियली? सच कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड मेरे लिए ऐसा करे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। अब तक का ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। सच कहूँ तो जान बहुत ही लकी है कि उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली है। वो जान ही मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उनके बिना मैं कुछ सोच भी नहीं सकती, इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे वो मिले हैं, और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है, हाँ बाय। तुम सही कह रही हो, ये अनऑर्गेनाइज है पूरा, हमें कुछ करना होगा। हाँ हाँ वो है, शायद तुम्हें ये डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। ये तो कमाल का आइडिया है, एक क्रोनोलॉजिकल फ्लो जिसमें सारी मेमोरीज का प्रीशियस कलेक्शन होता है, और ये काफी अच्छा आइडिया होगा। प्रेजेंट जैसे, आइए आइए। यहाँ क्या बातें हो रही हैं? इगित के पास बहुत अच्छे आइडियाज है प्रेजेंट को लेकर, मुझे पता है ये अच्छा होगा। हाँ तुम क्या कह रही हो? हाँ देखो, ये क्रोनोलॉजिकल वे में होगा, जब से मैं उनसे मिली हूँ तब से लेकर अब तक। ये काफी अच्छा आइडिया है ना? ओ हाँ, सच कह रही हो। हाँ फिर हो गया, अब उसे प्रिंट करना होगा। क्या तुम्हारे कोई पहचान में है? मैं तुम्हें एक फोन नंबर भेज चुकी हूँ उस दिन, तुम्हें याद है? शायद वो ही हो सकता है। नहीं नहीं, वो हम ऐसी जगह काम करेंगे जो हमें जानते हो। पर वो काफी एक्सपेंसिव होगा, और मुझे लगता है कि क्वालिटी अच्छी है पर कॉस्ट ज्यादा है। मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। डोंट वरी, मैं उससे बात करके पूछ लूंगा। सच में क्या तुम मेरे लिए वो करोगे? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मैं उन्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये उनका पहला बर्थडे है जो हम साथ में मनाएंगे, तो ये काफी स्पेशल होना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए जैसे मैंने प्लान किया है। हेलो, हाँ पोलन। हाय गीत, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। दरअसल मुझे तुम्हें बताना था कि मैं वापस लंदन जाने का सोच रही हूँ। जान का बर्थडे होते ही मैं चली जाऊंगी, जो कि आज ही है।
इसका तुमसे क्या लेना देना? कैसे नहीं है, मिसेस हुमा कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली है। ओ नॉनसेंस सनम, कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रही है, उन दिनों में कुछ नहीं स्पेशल। ओ अच्छा, तो उसका क्या प्लान है जरा बताओ। देखो तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उन दोनों का क्या प्लान है वो मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ओके? ध्यान रखना अपना। हेलो मिस्टर हमडी। हाउ आर यू हनी? कैसी होंगी मिसेस हुमा, सच कहूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सनेम ने जान के बर्थडे के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है। गुड, उसे वो करने दो, हम भी देखेंगे आखिर किसका प्लान वर्कआउट होगा। तुम कुछ पीना चाहोगी? हाँ, फिल्टर कॉफी पीना चाहूंगी मैं। फिल्टर कॉफी प्लीज। मेरी मिस्टर हमदी से बात हुई। हाँ ठीक है, वही जो प्रिंटिंग हाउस के ओनर है, शाम तक बुक रेडी हो जाएगी। ओह रियली, सच में? अब हमें जाना चाहिए, हम लेट नहीं होना चाहते। चलो चलो, अब जल्दी करो, चलो। ओके, मैं अभी डिपोर्ट जाती हूँ, अब हमारे लिए नए ऑर्डर्स हैं, मैं चेक करती हूँ जाकर। ओके, इसे हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। ओके सुनो, ये थैंक यू सो मच, हम ऑलरेडी लेट हैं, चलो जल्दी। परफेक्ट रहेगा, मुझे यकीन है। जान सनम, हम लंच करने बाहर चले हैं। ये कितना अच्छा होगा, पर हम दोनों लंच के लिए साथ जा रहे थे। साथ में नहीं, हमारे साथ वहाँ एक राइटर भी होगा। राइटर? हाँ, हमें उससे बात करनी है, इसीलिए बिजनेस लॉन्च पर जा रहे हैं, अर्जेंट है। बिजनेस लंच? ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हाँ हाँ, मैं भूल गई थी, इसीलिए नहीं। सनम हमें लेट हो रहा है। हाँ हमें निकलना चाहिए, मैं चलती हूँ जान, मिलते हैं, बाय। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ वैसे कहाँ जाएंगे हम? वैसे कहाँ चलो ना। हाँ, टर्किश खाना खाने के लिए एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में। बीन्स एंड राइस। क्यों, राइटर वैसा खाना नहीं खाते क्या? मुझे नहीं पता, वैसे तो आपको चाइनीज अच्छा लगता होगा, है ना? वो हेल्दी खाना है। मुझे बीन्स और राइस पसंद है। हाँ ये अच्छा रहेगा, पर अगली बार पक्का, इस बार कुछ मुमकिन नहीं है। हाँ, क्योंकि अब हम उस राइटर से मिलेंगे जिसे हम पहले कभी नहीं मिले हैं, ये हमारी पहली मीटिंग है और हम उसे ठीक से जानते भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ हो, इसलिए बाद में। ठीक है, फिर मैं क्या कहूँ? चलो सनम, आ जाओ। I'll be back soon, don't worry. सनम हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, बहुत सारे काम करने हैं। मैं बस यू गई और यू आई, एक पब्लिशर होना वाकई कितना डिफिकल्ट है, सो डिफिकल्ट। लैला? मिस्टर एम्ब्री? देखो, मेरा मेलिस के साथ कोई रिलेशन नहीं है लैला, ये सिर्फ मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था, तुम्हें खोने का मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी थोड़ी तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया मुझसे। इन सारी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तहे दिल से माफी चाहता हूँ तुमसे। मिस्टर एम्ब्री, लैला देखो, ये बेवकूफियां बहुत हो गई, बस करते हैं इसे अब, ठीक है? मैं दुआ करता हूँ कि तुम उस्मान के साथ खुश रहो, चलता हूँ मैं। मिस्टर एम्ब्री, ये सब मुझे जलाने के लिए किया उन्होंने, ये हकीकत नहीं है। देखो, अरे बाप रे, जान, अरे वाह, ये कितना प्यारा सरप्राइज है कि आप यहीं पर हो, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? सनम पिज्जा ऑर्डर कर दे क्या? तुम तो लंच के लिए बाहर गई थी ना? जाते हैं ना, तो फिर वो पिज्जा का ऑर्डर किस लिए? हम गए थे लेकिन कुछ खा नहीं पाए। क्यों? भीड़ थी। हाँ, वहाँ बहुत भीड़ थी, हम गए थे लेकिन वहाँ कुछ खा नहीं पाए, बस कॉफी पीकर कैफे में वापस आ गए, हमें बिजनेस की बातें करनी थी इसीलिए। ऐसा ही कुछ हुआ था जान।
अब ये बात लिख कर दूं क्या मैं? इसकी कोई जरूरत थी क्या? मैं खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? ठीक है। और हमने एक इंटरेस्टिंग बात सीखी है कि राइटर कभी भी सिर्फ साइनिंग डेज नहीं चाहता। क्यों, मैंने सही कहा ना इगित? बोलो। बहुत इंटरेस्टिंग, सही है ना? हाँ। वो साइनिंग सेशन नहीं चाहते शायद। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सानिम, अगर जान तुम्हारे साथ है तो उसे बताना मत कि तुम मुझसे बात कर रही हो, ठीक है ना? हाँ हाँ। वो तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बात करती हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि जान का आज बर्थडे है। क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? हाँ, लेकिन कोई खास नहीं। एक मिनट सानिम, मैं जान से सालों से दूर रही हूँ, कभी उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? क्या हम उसका बर्थडे साथ में मना सकते हैं? मुझे उसके साथ रहने का बहुत मन है। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा है। जान, आह, इतनी समझदारी दिखाने के लिए थैंक यू। जान अभी चले गए। गुड, तो अब हम कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, राइट? सानिम, कल रात खाने पर जो भी हुआ मैं उसे लेकर बहुत नाखुश हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तो अगर मैं उन्हें बर्थडे पर इनवाइट करूं तो हमारे रिश्ते बने रहेंगे ना, क्या कहती हो तुम? थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली इसे एक्सेप्ट करेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी कि क्या करना है, और पार्टी यहाँ घर पर ही होगी। ठीक, मुझे तो यकीन नहीं होता, इन्हें तो अपना नाम बदल देना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मुझे ये भी सर्कस करते रहना पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ एजेंसी में। मैं एजेंसी में जाकर आती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम्स वो कभी खत्म ही नहीं होती है। एमरे, क्या ये? मैंने वो इटालियन को मारा तो मुझे जेल जाना पड़ा, और अब मुझे लगता है कि मुझे वही चीज दोहरानी पड़ेगी। यार ये समझने को तैयार ही नहीं, पता नहीं कितना अजीब इंसान है। क्या करूँ क्या मैं इसका? भाई पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। बोलो। और लंच के लिए उसके साथ बाहर जाना, एक राइटर के साथ मीटिंग, सीक्रेट फोन कॉल्स, बहुत ही स्ट्रेंज बातें हो रही है, पब्लिशिंग हाउस में मिलना पड़ रहा है। मैं इतना पेशेंट क्यों रहूं? एक बात बताओ मुझे, मैं नीचे जाकर उसका सर फोड़ देता हूं, और मुझे सनम से जो कुछ भी कहना है उससे जाकर कह देता हूं ना, उसके बाद जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा। क्योंकि जेन्युइनली ना मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। यार मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने? क्या हो क्या रहा है यहाँ, समझ क्या रखा है मुझे? भाई तुम सही में अब तक कुछ समझे नहीं क्या? क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ बोलो? देखो, सनेम को अगर पता चला कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हाँ। अभी अभी हमारे बीच में सुलह हो गई भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? और तो और सनेम तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही है, इसलिए वह सब बिहेव कर रही है। वो यिगिर के साथ कोई लंच वंच पे नहीं जा रही है भाई। यार तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी थी ना, बेकार में परेशान हो रहा था मैं। ये बात तुमने मुझसे सुनी है, ये किसी को कहना मत, ठीक है? बाकी तुम सब संभाल लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो सी यू सून, बाय सनेम, बाद में मिलता हूँ, ठीक है? जान, 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 प्लीज ऐसा मत करो ना, प्लीज। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सनेम? हाँ बताओ जरा, क्या कर क्या रहा हूँ मैं? बोलो, मैं कोई सीक्रेट बात कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, या फोन कॉल्स पर बातें कर रहा हूँ, सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा हूँ क्या, या कोई अजीब तरीके से पेश आ रहा हूँ? बोलो ना। मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है सनम, सच में मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी, कल बात करूंगा। कल? लेकिन आज तो आपका बर्थडे है। यार प्लीज मुझे ना इन सारी बातों का ज्ञान मत दो, मुझे नहीं बात करनी तो नहीं करनी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या तुम मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं कर रही हो? कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं कर रही हो क्या? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? ये तो सरप्राइज था, लेकिन आपको कैसे पता चला? अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना मैं कुछ और सरप्राइज प्लान कर रहा था। आप इतने जलस कैसे हो सकते हैं जान? मैं जलस हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको सरप्राइज नहीं है। एक्चुअली मुझे मिसेस हुमा ने परमिशन दी है कि मैं और हम दोनों साथ में आपके घर में अकेले पार्टी कर सकते हैं। मेरे घर में तो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम दोनों साथ में पार्टी करेंगे।
सिर्फ हम दोनों, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर ठीक है, आप मुझे 8 बजे मिलने आ सकते हैं? Of course, gentleman की तरह। मैं चलती हूँ। Of course, हाँ। ठीक है, तो अब कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्रिपरेशन तो करनी होगी, इसीलिए अब मैं चलती हूँ। ये एक अच्छा सरप्राइज होने वाला है। एहसान ने जो काम नहीं किया है ना, वो अब मुझे पूरा करना पड़ रहा है। ये बॉटल्स रखनी है, बाउल्स रखने, मैं तो थक गई हूँ। मिसेस मैव के बे, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आइए बोलिए। उस दिन मैंने आपसे थोड़ा सा रूडली बात किया था। थोड़ी सी? हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रूड थी, मैं माफी मांगती हूँ। कुछ पीना पसंद करेंगी? नो थैंक्स। हमारे यहाँ जो मिलता है आप थोड़ी ना पिएंगी, हम तो बहुत गरीब हैं। सही कहा ना। कहिए। आपने मेरे और मेरे बेटे के बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था मिसेस मैव की बे, लेकिन मेरे अपने कुछ रीजंस थे। कारण? ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? मुझे जानना है कि एक माँ के लिए कौन से कारण हो सकते हैं मिसेस हुमा। मैंने कई सालों तक ये बात छुपा कर रखी थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया था अपनी असिस्टेंट के साथ में। इसीलिए मेरे मन में उन लोगों के लिए ऐसी सोच बन गई थी जो अपने बॉस के बेहद करीब होते लेकिन हैं। मैं जानती हूँ ये बेवकूफी वाली बात है, लेकिन मेरे लिए ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उनसे तुरंत जवाब ले लिया, पर इस बात से वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक को ले जाओ, एमरे छोटा था इसीलिए मैं उसे ले गई, और मैं जान को सालों तक नहीं देख पाई। एक मजबूर मां बन गई थी मैं। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा किया। मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए था ताकि मैं जान को भी अपने पास रख पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। उस समय मुझे कुछ सोचा ही नहीं। मुझे ये सब पता होता तो मैं उस दिन आपके साथ वो सब कहकर झगड़ा नहीं करती। यकीन मानिए मैं ऐसी नहीं हूँ। वो गुस्से में कह गई। मिसेस मैव की बे, ये इतना जरूरी नहीं है, और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। सिर्फ मन में पहले से बनाई एक सोच के कारण हम एक दूसरे का दिल दुखाते आए, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चे प्यार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हो सकता है इसी प्यार की वजह से हम एक दूसरे के करीब आ जाएं। मैं आपको जान के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आई हूँ, आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं क्या कहूँ? प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिएगा। एक छोटी सी पार्टी रखी है घर में, मैं आपका इंतजार करूंगी। Have a good day. मेरे तुमने सुना नहीं हाथ? हाँ सुना, मैंने सुना। बेचारी, हमें कैसे पता होगा ना ये सब है? तुम्हें बड़ी बेचारी लग रही है वो औरत, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? मेरे बे, दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन वो माफी मांग कर गई है ना। उन्होंने कहा ना कि उनको बुरा लगा है, उनको पछतावा हुआ, वो खुद आई ना। बाय। तो क्या करें हम?
सब कुछ भूलकर उस औरत के दर्द में हम शरीक हो जाएं, हाँ ऐसा करें, हम उसका गम हम मनाएं। नहीं नहीं मिफ्के बहन, ऐसा क्यों होने लगा वाला? वो औरत तुमसे खौफ करने लगी है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। अच्छा कुछ गलत नहीं होने वाला है। चलो ठीक है। देखा ना मिफ्के बहन, कितने धोखेबाज हस्बैंड होते हैं। उसने उसे धोखा दिया, मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया है कभी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम उसकी पार्टी में गए और उससे भी बड़ा झगड़ा हो गया तो क्या करोगे बताओ ना तुम? फिर से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ मेरा वो मतलब नहीं था मैके, कुछ लोगों के रग रग में धोखा लिखा होता है, मेरे नहीं है बस। वाह क्या बात है। ये साबुन है। अच्छा है ना, तुम्हारी जुबान साफ हो जाएगी और तुम्हारे अंदर की गंदगी भी साफ हो जाएगी। अच्छा है ना। अगर बर्थडे पार्टी में जाना है तो जान के लिए मुझे अच्छा सा गिफ्ट भी तो खरीदना होगा ना। बर्थडे है? किसका बर्थडे? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, बताओ ना किसका बर्थडे? मुझे केक खाने का बहुत मन हो रहा है। जान का बर्थडे है। अच्छा जान का है, कब है उसका बर्थडे? आज ही है। मुझे इन्विटेशन नहीं मिला, मेरा नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है क्या? मैं क्या मोहल्ले से गायब हो गया जो उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया है? हर पार्टी की जान और शान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फर है, और वो मुझे ही भूल गया आंटी। शायद ये फैमिली रियूनियन जैसा होगा, घर वालों को बुलाया होगा। अच्छा ऐसा है, मतलब आप कहना चाहती है कि मैं घर वाला नहीं हूँ, है ना? मैं बाहर वाला हूँ इस दुनिया में ना। अंकल बस कीजिए, आंटी ने मुझे सब सच बता दिया है, खास के फायदा नहीं है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कदर ही नहीं है, दर्द और ठोकरें खानी पड़ती है। इसके आते ही तबीयत खराब हो जाती है। ओहो मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। दे भी कैसे सकते थे, आसान लगा तुम्हें? आया बड़ा धोखा देने वाला। ओ कब ये तबीयत ठीक होगी। यस सनीम, ये ड्रेस कैसी है बताओ जरा। हाँ ये कितनी प्यारी है सच में। हाँ और मेरी नई हेयर स्टाइल तो देखो जरा। कितनी क्यूट है, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है। लैला आई एम ग्लैड कि तुमने अपना फैसला बदल दिया और हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गई। पता नहीं अब मिसेस युमा के लिस्ट में और किसका नाम होगा। डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी समझी। थैंक यू। मिसेस युमा ने कहा था कि वो मॉम से बात करने आएंगी, बट आई एम नॉट श्योर कि मॉम उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगी, मुझे नहीं लगता ऐसा वो करेंगी। बेटा हमें शॉप बंद करने में ना लेट हो गया, बहुत देर हो गई है क्या? हाँ हो गई है क्या? आप भी आ रही है? हाँ तुम्हें नहीं पता क्या, तुम नहीं चाहती कि हम लोग आए? नहीं ऑफ कोर्स मॉम, हम चाहते हैं कि आप भी आए। मिस हुमा ने आपको कन्विंस कैसे किया? वो खुद आई थी और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है, और तुम्हें पता है जान के डैड का उनकी असिस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा था, यकीन करोगी? क्या सच में? हाँ इसीलिए तो उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया, जान के डैड ने उसे अपने साथ रख लिया और सालों से वो एक दूसरे से दूर रहे। हाँ मैं तो सोच भी नहीं सकती। सैड मतलब सिर्फ मिस्टर एमरी उनके साथ रहते थे। अरे सैड बैड छोड़ो, देखो मैं आने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुई हूँ क्योंकि जान का बर्थडे है और मुझे वो लड़का पसंद है। हुमा को आखिरी चांस दे रही हूँ मैं, अगर उसके बाद भी उसने वो सब किया ना जो पहले किया था तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पहले बता रही हूँ। मैं जाके तैयार होती हूँ ठीक है मॉम। वो मैंने जान से कहा था कि हम अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो जब वो मुझे लेने आएंगे तो उन्हें कुछ मत कहना, ये उनके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है बाय। ठीक है जान कह रहा है कि वो 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या तुम ऐसे जाने वाले हो? जल्दी रेडी हो जाओ सनीम। लहरा तुम इतनी बात क्यों करती हो? देखो तुमने मेरा कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे रेडी भी होना है। कहाँ गए? हमेशा मुझ पर ही ब्लेम करती हो। मैंने यही तो रखे थे। आई होप हमारा प्लान इस बार काम कर जाए बस। डोंट वरी डियर, जरूर करेगा। उम्मीद तो लगता है वो आ गया। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद जल्दी। ठीक है ठीक है, जानिए यहाँ जाओ। आंखें बंद, एक सेकेंड मेरे साथ आइए, चलिए यहाँ। ठीक है चलिए आइए, अपनी आंखें बंद रखिए। मुझ पर भरोसा नहीं क्या तुम्हें? मेरी आंखें बंद है। आइए ठीक है, बस दो कदम और हम यहाँ आ गए। हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे जॉन। जॉन
What a surprise. तुम्हारा बर्थडे और मैं ना हुआ क्या बात है. हेलो जान ब्रदर, कितने सालों बाद मिल रहे हैं? ऑलमोस्ट 6 साल बाद. उससे भी ज्यादा ब्रो. एसगी, ये तुम हो, कितनी बड़ी हो गई हो तुम. 35 kgs. बहुत वजन कम कर लिया तुमने. नाइस. तुम भी काफी बदल गए हो मिस्टर शान. दाढ़ी बाल लंबे कर लिए. सालों बाद देखोगे तो ऐसे ही दिखूंगा ना. हैप्पी बर्थडे. मैं अपना बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ. हे हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. बाय द वे, ये सनम है, मेरी गर्लफ्रेंड. हेलो 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 हेलो. वैसे क्या हम इससे पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं तो मुझे याद नहीं. शायद हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे. आई डोंट थिंक सो. बॉस्फोरस यूनिवर्सिटी. मैं आपको नहीं जानती. तो तुम भी ग्रेजुएट हो ना सनम? हाँ हूँ. वैसे तुम कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो सनम? मैं पोल्ट्री फार्मिंग में हूँ. सच में पोल्ट्री फार्मिंग? हाँ, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पर मुझे पहले से ही एनिमल बहुत पसंद है इसीलिए. हाँ सही है, सनम को बहुत कुछ पता है. वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो उनके बारे में काफी कुछ जानती है. थैंक्स जान. यू नो एग्जैक्टली मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था. क्या मतलब? देखो हम सब जानते हैं कि फूड मार्केट कितना खराब है. यू नो प्रिजर्वेटिव्स डालकर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका हार्मोन्स पर बुरा असर होता है. पब्लिक हेल्थ के लिए काफी बुरा है. सेम फॉर पोल्ट्री. हाँ मतलब ऐसे वक्त पर टर्की मीट यूज करना अच्छा होता है. एग्जैक्टली इसीलिए तो हमने टर्की फार्म एस्टैब्लिश की. हमारी टीम इस पर काम कर रही है सनम. अगर तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सको तो हमें बहुत खुशी होगी. हाँ जरूर आऊंगी. सनम अगर तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है तो तुमने इस इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं किया? सनम को सिर्फ बर्ड्स, मुर्गियाँ और टर्की में ही इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत सारी फील्ड में इंटरेस्टेड है. ये एक बहुत अच्छी राइटर भी है. बहुत जल्द उसकी बुक भी पब्लिश होने वाली है. यू गाइस शुड चेक इट आउट. ओह हाउ नाइस. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. काश मैं भी लिख पाता लेकिन बहुत मुश्किल है, इसलिए राइटर्स के लिए मेरे मन में काफी रिस्पेक्ट है. थैंक यू सो मच. हाँ मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से प्यार किया है ना मेरी जान. अच्छा जान सुनो, तुम्हें सरप्राइज पार्टी से खुश तो हो ना? हाँ मुझे बहुत पसंद आया. थैंक्स. पोलन ने मेरी बहुत मदद की है, उसी ने तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स को इनवाइट किया. मुझसे जितना हुआ उतना मैंने किया. शी इज अमेजिंग. मैं सिर्फ सनम के साथ बर्थडे मनाने का प्लान कर रहा था लेकिन. तुम दोनों तो हमेशा टाइम स्पेंड करते हो, बस आज के दिन हम सबके साथ रहो ना प्लीज. हाँ यही कहते रहते हैं ना. तुम्हारे पेरेंट्स तो आ रहे हैं ना सनम? हाँ हाँ, वो हमसे पहले ही निकल गए थे, वो अभी आते ही होंगे. सुपर्ब. एवरीबॉडी गेट योर रिंग्स. मैंने नहीं, मिसेस हुमा ने आके खुद कन्विंस किया. उन्होंने सभी से माफी मांगी. मेरी मॉम ने माफी मांगी? हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा पर शायद आपकी बातों का असर हुआ होगा. मुझे ये ठीक आसार नहीं नजर आ रहे हैं. ऐसा मत कहिए. चलो चलो अंदर चलो. वेलकम सर. अमित के भी फोटो उतारिए डैड. मेरे के भी ये निकालो जरा. घर कितना हाई क्लास है ना यार. टाई सूट पहन कर आना चाहिए था मुझे. कैसा नहीं नहीं हम जैसे हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए उन्हें. हाँ वो देखो. हेलो वेलकम वेलकम. आने के लिए शुक्रिया. थैंक यू. वेलकम. गुड इवनिंग मैडम. वेलकम लैला. हेलो कैसे हैं? मिसेस मेवकिबे वेलकम. कैसे हो बेटा? अंकल ने हाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. कैसे हो लैला? कैसी हो? मिस्टर जान थैंक यू सो मच. आई होप एड्रेस ढूंढने में आपको परेशानी नहीं हुई. नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं. यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं होता तो घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई. आसान रहा घर ढूंढना. हाँ ये जगह शोर शराबे से थोड़ी दूर ही है. नहीं नहीं हमें शोर शराबा बहुत पसंद है. बिल्कुल सही कहा आपने. एक्चुअली आई ट्रैवल अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड पर शोर शराबे में ही तो शहर की असली रूह बसती है. बिल्कुल बिल्कुल सही. एग्जैक्टली आसपास दुकानें होती हैं तो कितना अच्छा लगता है. हाँ कितने दिलचस्प लोग मिलते हैं. मुझे तो शहर के रास्तों पर घूमना काफी पसंद है. वैसे मुझे भी पसंद है पर इस्तांबुल में मैं पीस ढूंढने के लिए आती हूँ. कैन यू बिलीव आई केम अक्रॉस अल पचिनो. ऐसे न्यूयॉर्क में घूमते घूमते. कौन है वो? मैं नहीं जानता. मैंने नाम सुना नहीं है उनका. पापा वो गॉडफादर मूवी हमने देखी थी ना वही वही. वो माफिया का पापा. मैं भी माफियों का पापा हूँ. चल बेटा ये प्रेजेंट हम तुम्हारे लिए लाए हैं. आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा. छोटा है पर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.
कितना इंटरेस्टिंग प्रेजेंट है, कितना अच्छा पत्थर ढूंढ कर लाए हैं आप। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है। सिर्फ वही लोग मुझे दे सकते हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें गिफ्ट क्या दें, फिर सैनम ने बताया कि तुम्हारा मूनस्टोन टूट गया है, तो हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये ढूंढा, तो सोचा यही सबसे बेटर गिफ्ट होगा, तो वही ले आए हम। अब तो इन्हें ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना? क्या मैं आप दोनों को हग कर सकता हूँ? हैप्पी बर्थडे जान। ऊपर वाला करे, तुम इसके साथ काफी दूर तक ट्रेवल करो। क्या हम टेबल पर जाए? चलिए ना, आइए टेबल पर, आइए आइए मॉम, चलिए। हाय, हम लोग आने में लेट तो नहीं हो गए? अरे वाह, ये क्या? मेरे मूनस्टोन। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जॉन, हैप्पी बर्थडे मिस्टर जॉन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम अंकल। हेलो बेटा। जॉन, हैप्पी बर्थडे। मैं कन्फेटी ब्लास्ट लाने वाला था, पर फिर मुझे याद आया कि आपको सिंपल और स्वीट चीजें पसंद है, इसलिए मैंने वो प्लान स्क्रैप कर दिया। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, सही कहा ना मिस्टर जान, इसलिए हम कभी भी बाहर जाकर अकेले में पार्टी कर सकते हैं। क्या बात है मुजफ्फर, कैसी लगी मेरी एंट्री? आज बर्थडे है खास शख्स का, वो है जान देवित। रुक जाइए, बस, वैसे तो मैं इनकी उम्र नहीं पूछूंगा, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर, आप चाहे बूढ़े हो या जवान, ये चीज सबको पसंद आती है। मैं लाया हूँ रॉ मीट बॉल्स, जिसे खाकर आपको बहुत मजा आएगा, कौन लेना चाहेगा? रॉ मीट बॉल्स? एक्चुअली इसमें ना मीट के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं इसमें, टमेटो पेस्ट, क्रैक वीट। खाइए, मजे कीजिए, बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन। इसलिए मैंने आपके लिए ये बर्थडे गिफ्ट लाया हूँ, कैसा लगा? ये सनम का दोस्त है, ऑफ कोर्स इन्हें भी इनवाइट करना ही था। सच कहूँ तो मुझे रॉ मीट बॉल्स बहुत पसंद है। अरे तो खाओ ना भाई, किसने रोका है? ओ, मैं तो मीट बॉल्स की दीवानी हूँ, पर मैं एक ही खा सकती हूँ। तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है, मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ बस इसी बारे में सोचता हूँ कि हम दोनों एकदम सेम टू सेम हैं। जी जी। आयहान, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने झूठ बोला, मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला तुमसे, मैं जानता हूँ, मैंने कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही गई। देखो, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज आयहान। और मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर प्यार नहीं करते तो सिंपली कह देते कि हमने ब्रेकअप कर लिया, पर ऐसा नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं किया तुमने, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं ये कहने ही वाली थी, पर तब तक तुम भाग गए जेजे, मैं क्या करती? ओके, अब से मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, आई प्रॉमिस, ओके। तुमने मुझे किस किया आयहान? वो बहुत कमाल का था। पता नहीं कैसे कर लिया। हमारे बीच में कितनी सारी चीजें कॉमन है, चलो इसी बात पर कहीं बाहर चलते हैं ना, यहाँ से दूर। चलोगी क्या? क्यों, तुम बोर हो रहे हो? नहीं, ये क्या कह रही हो, तुम्हारे साथ ही तो मुझे मजा आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ से दूर। तुम क्या बोल रहे हो मुजफ्फर? यही कि हाथों में हाथ डाले हम दोनों की सपनों की दुनिया में, और एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही गुम हो जाएंगे, पूरे दिन और पूरी रात बातें करते रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, खुशी खुशी रहेंगे, और मैं तुम्हें बहुत हंसाऊंगा और खुश रखूंगा, सच में। हाँ,
तो तुम मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो? अरे नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, सारा फैसला तुम पर ही है। अगर तुम चाहो तो तुम आ सकती हो, अगर ना चाहो तो नहीं आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, बस थोड़ा सा उदास हो जाऊंगा, लेकिन शिकायत नहीं करूंगा तुमसे। इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान हूँ, बस तुम ये सोच लो कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगी या नहीं। मुज़फ़्फ़र, वेल, आई नहीं, जल्दबाजी में फैसला मत लो, आराम से इस बारे में बैठकर सोचना, ठीक है? हाँ, मैं सोचती हूँ, फिर बताती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ, ओके बाय। आराम से बैठकर सोचो। बाय बाय। हेलो मिस्टर एंड्रे। ये लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। हाँ एक्चुअली काफी ठंड है, थैंक यू। आप यहाँ अकेले? हाँ कभी कभी अकेले रहना पसंद करता हूँ। सही कहा, कभी कभी अकेला रहना जरूरी है। अकेली? ये तुम कह रही हो? अकेली? तुम्हारे साथ उस्मान है ना? उस्मान कहाँ है? हाँ उस्मान नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं है। क्या कह रही हो? जैसा कि आपने कहा, कभी कभी अकेला रहना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया, एंड दैट्स ऑल। हमने बात करके डिसाइड किया, पर फिलहाल ये बात तो किसी को नहीं पता, पर सनीम जानती है ये बात। आई डोंट नो मैं मॉम डैड को कैसे बताऊं। और तुम चाहती थी कि ये बात मुझे पता चले? केक काटना है, अंदर चले हम। हैप्पी बर्थडे जॉन। कम ऑन, मेक अ विश। ब्लो। थैंक यू सो मच। ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए, आई होप आपको ये पसंद है। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा प्रेशियस हो, मुझे और क्या चाहिए? मैं ये सब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, ये पार्टी और ये सब कुछ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन इस बुक पर था, और आई होप कि आपको ये पसंद आए। क्या है? जी डैडी, बुक है। बुक फैंटास्टिक लग रही है। हाँ। प्रेजेंट में बुक दी क्या? वाह। लाखों की भीड़ में नजरों को दिखाई देते हैं सिर्फ आप, कुछ यादें हैं, हमारे फोटोज हैं। आई थिंक हमें गिव अप कर लेना चाहिए मिसेस हुमा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। आई विल नेवर गिव अप। ये वो पहली चॉकलेट है जो आपने मुझे दी थी। थैंक यू वेरी मच। ओके सो गाइस, मुझे बहुत ज्यादा खुशी कि आप सब यहाँ पर आए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये बर्थडे मेरे लिए एक्सेप्शनल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू माय मॉम। थैंक यू ऑल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू मिस्टर जान। तो मॉम, आपने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट दिया, तो मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छा प्रेजेंट है। क्या? दिल, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार,
विल यू मैरी मी? क्या बात है? La 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 la